नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, उसका नाम है राधे श्याम। तो ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर बिना झंझट में देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। राधे श्याम एक 2022 भारतीय पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे राधा कृष्ण कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म की मूवी क्रिएशन और टी सीरीज द्वारा निर्मित है और इसे तेलुगु और हिंदी भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है। इसमें प्रभास और पूजा हेगड़े हैं। 1970 के दशक के यूरोप पर आधारित फिल्म विक्रमादित्य की कहानी बनाती है, विक्रमादित्य कहानी बताती है, जो एक हस्तरेखविद है जो नियुति और प्रेरणा के लिए उसके प्यार के बीच संघर्ष करता है। 1978 में इटली में विक्रमादित्य विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखाविद है। हस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया। इस संत परमहंस के शिष्य है विक्रमादित्य जो रिश्तों में विश्वास नहीं करता है। तुरंत डॉक्टर प्रेरणा के लिए गिर जाते हैं। वे एक ट्रेन में मिलते हैं लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य व्यापारी आनंद राजपूत की हथेली पड़ता है। जैसे कि विक्रमादित्य अपने पक्ष में भविष्यवाणी नहीं करता है, राजपाल के लोग उसका पीछा करते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप उनके दुर्घटना होती है। वो प्रेरणा के अस्पताल में भर्ती है और वहाँ उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य प्रेरणा को उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव देते हैं। हालांकि प्रेरणा शहर छोड़ देते हैं, लेकिन विक्रमादित्य पूरे रास्ते उसका पीछा करते हैं। वो मान जाती है और वे एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। हालांकि प्रेरणा के चाचा उसे विक्रमादित्य के प्रति कोई भावना विकसित नहीं करने के लिए कहते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा करते हैं, तो एक अजनबी उससे अपनी बेटी द्वारा एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वो भविष्यवाणी करता है कि खेलों में इसका कोई भविष्य नहीं है और इसे उसके वजह शिक्षा और ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से हचकित होकर कोच में कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी पूछता है, लेकिन विक्रमादित्य हिचकिचाए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर किसी का तत्काल मौत होनी तय है। वो उसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है, लेकिन व्यर्थ। उस शाम बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है, जिससे कोई लोग हताहत हो जाती है। हस्तरेखा शास्त्र में विश्वास करने वाली प्रेरणा विक्रमादित्य से उसकी हथेली पढ़ने की कहती है। वो भविष्यवाणी करता है कि उज्जवल भविष्य के साथ उसका लंबा जीवन होगा, लेकिन वो खून बहने वाली नाक से तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा जो अस्पताल में भर्ती कराए जाते हैं, जहां उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी है, बताते हैं कि वो एक लाइलाज ट्यूमर से प्रेरित है और महीनों के भीतर उसका मृत्यु हो सकते हैं। विक्रमादित्य असहमत है और क्योंकि उन्होंने अन्यथा भविष्यवाणी की थी, लेकिन उन्हें अस्पताल से बाहर निकाला गया था। प्रेरणा और अपने जीवन को लेकर अशांतित है। दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि विक्रमादित्य एक धोखेबाज है और केवल दवा की इसकी किस्मत बदल सकती है। वो 5 मृत लोगों की हथेली से विक्रमादित्य का परीक्षण करता है और विक्रमादित्य उस सभी को सही ढंग से काटते हैं। उसके चाचा अपना मन बदलते हैं और विक्रमादित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल गया। खुशी से भरी प्रेरणा विक्रमादित्य को प्रपोज करती है। हालांकि उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास प्रेम की रेखा नहीं है और वो जल्द ही देश छोड़ देगा। निराश प्रेरणा दुख के साथ आत्महत्या करने के प्रयास करती है, लेकिन विक्रमादित्य की डायरी में आती है। उसे पता चलता है कि विक्रमादित्य उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार था। जाने से पहले विक्रमादित्य प्रेरणा को उसकी इच्छा के अनुसार एक बलरूम नृत्य में ले जाता है और जुगल रात को अंतरंग रूप में बिताते हैं।
फिरोना डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वो अपनी जान देना पसंद करेगी। वो स्वेच्छा से एक कार दुर्घटना का शिकार होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विक्रमादित्य जो अपनी माँ के डांस शो के लिए लंदन में थे, डायरी में प्रेरणा का नोट पड़ता है। वो अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वो प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है, उससे जल्द मिलने का वादा करता है। जब विक्रमादित्य अपनी भविष्यवाणी को लेकर दुविधा में होता है तो उसकी मुलाकात ट्रेन में इस लड़के से होती है जिससे दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया है। वो विक्रमादित्य से कहती है कि क्योंकि जब उसकी हथेली नहीं है इसलिए वो अपना भाग लिख सकती है। विक्रमादित्य जो अब प्रेरणा से मिलते हैं जल्दी में है एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर इटली जाते हैं जिसके कप्तानी एक व्यक्ति करता है जिससे वो अस्पताल में मिला था। हालांकि जहाज समुद्र में तूफान की चपेट में आ जाता है और हर कोई कप्तान के आदेश पर जहाज को छोड़ देता है। हालांकि विक्रमादित्य अकेले जहाज में फंसा हुआ है। प्रकृति की शक्ति में अभिभूत विक्रमादित्य अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। वो अपने गुरु महापरमहंस के इस दावे को याद करते हैं के लिए हस्तरेखा विज्ञान केवल 99% सटीक है और 1% लोग ऐसे हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्प, वो एक उच्च बिंदु तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करता है और एक भड़कीला बंदूक चलाता है। कप्तान एक जीवन रक्षक नौका के साथ लौटता है। जहाज डूब जाता है लेकिन डूबा हुआ विक्रमादित्य तैरने में सफल हो जाते हैं। बाद में विक्रमादित्य अस्पताल पहुंचता है और बड़ा बरामद प्रेरणा के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। उनकी शादी हो जाती है जबकि तारा रेलिंग जीतती है। फिल्म विक्रमादित्य की कहानी बनाती है, विक्रमादित्य कहानी बताती है जो एक हस्तरेखाविद है जो नियुक्ति और प्रेरणा के लिए उसके प्यार के बीच संघर्ष करता है। 1978 में इटली में विक्रमादित्य विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखाविद है। हस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया। इस संत परमहंस के शिष्य है विक्रमादित्य जो रिश्तों में विश्वास नहीं करता है। तुरंत डॉक्टर प्रेरणा के लिए गिर जाते हैं। वे एक ट्रेन में मिलते हैं लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य व्यापारी आनंद राजपूत की हथेली पड़ता है। जैसे कि विक्रमादित्य अपने पक्ष में भविष्यवाणी नहीं करता है, राजपाल के लोग उसका पीछा करते हैं जिसका परिणाम स्वरूप उनके दुर्घटना होती है। वो प्रेरणा के अस्पताल में भर्ती है और वहाँ उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य प्रेरणा को उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव देते हैं। हालांकि प्रेरणा शहर छोड़ देते हैं लेकिन विक्रमादित्य पूरे रास्ते उसका पीछा करते हैं। वो मान जाती है और वे एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। हालांकि प्रेरणा के चाचा उसे विक्रमादित्य के प्रति कोई भावना विकसित नहीं करने के लिए कहते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा करते हैं तो एक अजनबी उससे अपनी बेटी द्वारा एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वो भविष्यवाणी करता है कि खेलों में इसका कोई भविष्य नहीं है और इसे उसके मुझे शिक्षा और ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से हतचकित होकर कोच में कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी पूछता है लेकिन विक्रमादित्य हिचकिचाए के साथ प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर किसी का तत्काल मौत होनी तय है। वो उसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है लेकिन व्यर्थ है। उस शाम बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है जिससे कोई लोग हताहत हो जाती है। हस्तरेखा शास्त्र में विश्वास करने वाली प्रेरणा विक्रमादित्य से उसकी हथेली पढ़ने की कहती है। वो भविष्यवाणी करता है कि उज्जवल भविष्य के साथ उसका लंबा जीवन होगा लेकिन वो
खून बहने वाली नाक से तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा जो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी है, बताते हैं कि वो एक लाइलाज ट्यूमर से प्रेरित है और महीनों के भीतर उसका मृत्यु हो सकते हैं। विक्रमादित्य असहमत है और क्योंकि उन्होंने अन्यथा भविष्यवाणी की थी, लेकिन उन्हें अस्पताल से बाहर निकाला गया था। प्रेरणा और अपने जीवन को लेकर अशांतित है। दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि विक्रमादित्य एक धोखेबाज है और केवल दवा की इसकी किस्मत बदल सकती है। वो 5 मित्र लोगों की हथेली से विक्रमादित्य का परीक्षण करता है और विक्रमादित्य उस सभी को सही ढंग से काटते हैं। उसके चाचा अपना मन बदलते हैं और विक्रमादित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल गया। खुशी से भरी प्रेरणा विक्रमादित्य को प्रपोज करती है। हालांकि उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास प्रेम की रेखा नहीं है और वो जल्द ही देश छोड़ देगा। निराश प्रेरणा दुख के साथ आत्महत्या करने के प्रयास करती है, लेकिन विक्रमादित्य की डायरी में आती है। उसे पता चलता है कि विक्रमादित्य उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार था। जाने से पहले विक्रमादित्य प्रेरणा को उसकी इच्छा के अनुसार एक बलरूम नृत्य में ले जाता है और युगल रात को अंतरंग रूप में बिताते हैं। प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वो अपनी जान देना पसंद करेगी। वो स्वेच्छा से एक कार दुर्घटना का शिकार होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विक्रमादित्य जो अपनी माँ के डांस शो के लिए लंदन में थे, डायरी में प्रेरणा का नोट पड़ता है। वो अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वो प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है, उससे जल्द मिलने का वादा करता है। जब विक्रमादित्य अपनी भविष्यवाणी को लेकर दुविधा में होता है, तो उसकी मुलाकात ट्रेन में इस लड़के से होती है, जिससे दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया है। वो विक्रमादित्य से कहती है कि क्योंकि जब उसकी हथेली नहीं है, इसलिए वो अपना भाग्य लिख सकती है। विक्रमादित्य जो अब प्रेरणा से मिलते हैं, जल्दी में है एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर इटली जाते हैं, जिसके कप्तानी एक व्यक्ति करता है जिससे वो अस्पताल में मिला था। हालांकि जहाज समुद्र में तूफान की चपेट में आ जाता है और हर कोई कप्तान के आदेश पर जहाज को छोड़ देता है। हालांकि विक्रमादित्य अकेले जहाज में फंसा हुआ है। प्रकृति की शक्ति में अभिभूत विक्रमादित्य अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। वो अपने गुरु महाब्रह्मवंस के इस दावे को याद करने के लिए हस्तरेखा विज्ञान केवल 99% सटीक है और 1% लोग ऐसे हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्प, वो एक उच्च बिंदु तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करता है और एक भड़कीला बंदूक चलाता है। कप्तान एक जीवन रक्षक नौका के साथ लौटता है। जहाज डूब जाता है, लेकिन डूबा हुआ विक्रमादित्य तैरने में सफल हो जाते हैं। बाद में विक्रमादित्य अस्पताल पहुंचता है और बड़ा प्रेरणा के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। उनकी शादी हो जाती है, जबकि तारा पैरालिंपिक जीतती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, उसका नाम है राधे श्याम। तो ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर बिना झंझट में देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। राधे श्याम एक 2022 भारतीय पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसे राधा कृष्ण कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म की मूवी क्रिएशंस और टी सीरीज द्वारा निर्मित है और इसे तेलुगु और हिंदी भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है। इसमें प्रभास और पूजा हेगड़े हैं। 1970 के दशक के यूरोप पर आधारित फिल्म विक्रमादित्य की कहानी बनाती है। विक्रमादित्य कहानी बताती है जो एक हस्तरेखविद है जो नियुति और प्रेरणा के लिए उसके प्यार के बीच संघर्ष करता है। 1978 में इटली में विक्रमादित्य विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखाविद है। हस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया। इस संत परमहंस के शिष्य है विक्रमादित्य जो रिश्तों में विश्वास नहीं करता है,
तुरंत डॉक्टर प्रेरणा के लिए गिर जाते हैं। वे एक ट्रेन में मिलते हैं लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य व्यापारी आनंद राजपूत की हथेली पड़ता है। जैसे कि विक्रमादित्य अपने पक्ष में भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता है, राजपाल के लोग उसका पीछा करते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप उनके दुर्घटना होती है। वो प्रेरणा के अस्पताल में भर्ती है और वहाँ उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य प्रेरणा को उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव देते हैं। हालांकि प्रेरणा शहर छोड़ देते हैं, लेकिन विक्रमादित्य पूरे रास्ते उसका पीछा करते हैं। वो मान जाती है और वे एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। हालांकि प्रेरणा के चाचा उसे विक्रमादित्य के प्रति कोई भावना विकसित नहीं करने के लिए कहते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा करते हैं तो एक अजनबी उससे अपनी बेटी द्वारा एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वो भविष्यवाणी करता है कि खेलों में इसका कोई भविष्य नहीं है और इसे उसके वजह शिक्षा और ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से कोच में कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी पूछता है, लेकिन विक्रमादित्य हिचकिचाए के साथ प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर किसी का तत्काल मौत होनी तय है। वो उसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है, लेकिन व्यर्थ। उस शाम बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है, जिससे कोई लोग हताहत हो जाती है। हस्तरेखा शास्त्र में विश्वास करने वाली प्रेरणा विक्रमादित्य से उसकी हथेली पढ़ने की कहती है। वो भविष्यवाणी करता है कि उज्जवल भविष्य के साथ उसका लंबा जीवन होगा, लेकिन वो खून बहने वाली नाक से तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा जो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी है, बताते हैं कि वो एक लाइलाज ट्यूमर से प्रेरित है और महीनों के भीतर उसका मृत्यु हो सकते हैं। विक्रमादित्य असहमत है और क्योंकि उन्होंने अन्यथा भविष्यवाणी की थी, लेकिन उन्हें अस्पताल से बाहर निकाला गया था। प्रेरणा और अपने जीवन को लेकर अशांतित है। दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि विक्रमादित्य एक धोखेबाज है और केवल दवा की इसकी किस्मत बदल सकती है। वो 5 मृत लोगों की हथेली से विक्रमादित्य का परीक्षण करता है और विक्रमादित्य उस सभी को सही ढंग से काटते हैं। उसके चाचा अपना मन बदलते हैं और विक्रमादित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल गया। खुशी से भरी प्रेरणा विक्रमादित्य को प्रपोज करती है। हालांकि उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास प्रेम की रेखा नहीं है और वो जल्द ही देश छोड़ देगा। निराश प्रेरणा दुख के साथ आत्महत्या करने के प्रयास करती है, लेकिन विक्रमादित्य की डायरी में आती है। उसे पता चलता है कि विक्रमादित्य उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार था। जाने से पहले विक्रमादित्य प्रेरणा को उसकी इच्छा के अनुसार एक बलरूम नृत्य में ले जाता है और युगल रात को अंतरंग रूप में बिताते हैं। प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वो अपनी जान देना पसंद करेगी। वो स्वेच्छा से एक कार दुर्घटना का शिकार होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विक्रमादित्य जो अपनी माँ के डांस शो के लिए लंदन में थे, डायरी में प्रेरणा का नोट पढ़ता है। वो अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वो प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है, उससे जल्द मिलने का वादा करता है। जब विक्रमादित्य अपनी भविष्यवाणी को लेकर दुविधा में होता है तो उसकी मुलाकात ट्रेन में इस लड़की से होती है, जिससे दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया है। वो विक्रमादित्य से कहती है कि क्योंकि जब उसकी हथेली नहीं है, इसलिए वो अपना भाग्य लिख सकती है। विक्रमादित्य जो अब प्रेरणा से मिलते हैं जल्दी में है एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर इटली जाते हैं, जिसके कप्तानी एक व्यक्ति करता है जिससे वो
अस्पताल में मिला था। हालांकि जहाज समुद्र में तूफान की चपेट में आ जाता है और हर कोई कप्तान के आदेश पर जहाज को छोड़ देता है। हालांकि विक्रमादित्य तो अकेले जहाज में फंसा हुआ है। प्रकृति की शक्ति में अभिभूत विक्रमादित्य तो अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। वो अपने गुरु महाब्रह्मवंश के इस दावे को याद करने के लिए हस्तरेखा विज्ञान केवल 99% सटीक है और 1% लोग ऐसे हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्प, वो एक उच्च बिंदु तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करता है और एक भड़कीला बंदूक चलाता है। कप्तान एक जीवन रक्षक नौका के साथ लौटता है। जहाज डूब जाता है लेकिन डूबा हुआ विक्रमादित्य तैरने में सफल हो जाते हैं। बाद में विक्रमादित्य अस्पताल पहुंचता है और बड़ा प्रेरणा के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। उनकी शादी हो जाती है जबकि तारा पैरालिंकिंग जीतती है। फिल्म विक्रमादित्य की कहानी बनाती है विक्रमादित्य कहानी बताती है जो एक हस्तरेखविद है जो नियुति और प्रेरणा के लिए उसके प्यार के बीच संघर्ष करता है। 1978 में इटली में विक्रमादित्य विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखाविद है। हस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया। इस संत परमहंस के शिष्य है विक्रमादित्य जो रिश्तों में विश्वास नहीं करता है। तुरंत डॉक्टर प्रेरणा के लिए गिर जाते हैं। वे एक ट्रेन में मिलते हैं लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य व्यापारी आनंद राजपूत की हथेली पड़ता है। जैसे कि विक्रमादित्य अपने पक्ष में भविष्यवाणी नहीं करता है, राजपाल के लोग उसका पीछा करते हैं जिसका परिणाम स्वरूप उनके दुर्घटना होती है। वो प्रेरणा के अस्पताल में भर्ती है और वहाँ उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य प्रेरणा को उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव देते हैं। हालांकि प्रेरणा शहर छोड़ देते हैं लेकिन विक्रमादित्य पूरे रास्ते उसका पीछा करते हैं। वो मान जाती है और वे एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। हालांकि प्रेरणा के चाचा उसे विक्रमादित्य के प्रति कोई भावना विकसित नहीं करने के लिए कहते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा करते हैं तो एक अजनबी उससे अपनी बेटी द्वारा एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वो भविष्यवाणी करता है कि खेलों में इसका कोई भविष्य नहीं है और इसे उसके वजह शिक्षा और ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से हचकित होकर कोच में कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी पूछता है लेकिन विक्रमादित्य हिचकिचाए के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर किसी का तत्काल मौत होनी तय है। वो उसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है लेकिन व्यर्थ। उस शाम बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है जिससे कोई लोग हताहत हो जाती है। हस्तरेखा शास्त्र में विश्वास करने वाली प्रेरणा विक्रमादित्य से उसकी हथेली पढ़ने की कहती है। वो भविष्यवाणी करता है कि उज्ज्वल भविष्य के साथ उसका लंबा जीवन होगा लेकिन वो खून बहने वाली नाक से तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा जो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी है बताते हैं कि वो एक लाइलाज ट्यूमर से प्रेरित है और महीनों के भीतर उसका मृत्यु हो सकते हैं। विक्रमादित्य असहमत है और क्योंकि उन्होंने अन्यथा भविष्यवाणी की थी लेकिन उन्हें अस्पताल से बाहर निकाला गया था। प्रेरणा और अपने जीवन को लेकर अशांतित है। दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि विक्रमादित्य एक धोखेबाज है और केवल दवा की इसकी किस्मत बदल सकती है। वो 5 मृत लोगों की हथेली से विक्रमादित्य का परीक्षण करता है और विक्रमादित्य उस सभी को सही ढंग से काटते हैं। उसके चाचा अपना मन बदलते हैं और विक्रमादित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल गया। खुशी से भरी प्रेरणा विक्रमादित्य को प्रपोज करती है। हालांकि उससे ये
उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास प्रेम की रेखा नहीं है और वो जल्द ही देश छोड़ देगा। निजास प्रेरणा दुख के साथ आत्महत्या करने के प्रयास करती है, लेकिन विक्रमादित्य की डायरी में आती है। उसे पता चलता है कि विक्रमादित्य उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार था। जाने से पहले विक्रमादित्य प्रेरणा को उसकी इच्छा के अनुसार एक बलरूम नृत्य में ले जाता है और जुगल रात को अंतरंग रूप में बिताते हैं। प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वो अपनी जान देना पसंद करेगी। वो स्वेच्छा से एक कार दुर्घटना का शिकार होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विक्रमादित्य जो अपनी माँ के डांस शो के लिए लंदन में थे, डायरी में प्रेरणा का नोट पड़ता है। वो अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वो प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है, उससे जल्द मिलने का वादा करता है। जब विक्रमादित्य अपनी भविष्यवाणी को लेकर दुविधा में होता है तो उसकी मुलाकात ट्रेन में इस लड़की से होती है जिससे दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया है। वो विक्रमादित्य से कहती है कि क्योंकि जब उसकी हथेली नहीं है इसलिए वो अपना भाग्य लिख सकती है। विक्रमादित्य जो अब प्रेरणा से मिलते हैं जल्दी में है एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर इटली जाते हैं जिसकी कप्तानी एक व्यक्ति करता है जिससे वो अस्पताल में मिला था। हालांकि जहाज समुद्र में तूफान की चपेट में आ जाता है और हर कोई कप्तान के आदेश पर जहाज को छोड़ देता है। हालांकि विक्रमादित्य अकेले जहाज में फंसा हुआ है। प्रकृति की शक्ति में अभिभूत विक्रमादित्य अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। वो अपने गुरु महापरमहंस के इस दावे को याद करते के लिए हस्तरेखा विज्ञान केवल 99% सटीक है और 1% लोग ऐसे हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्प, वो एक उच्च बिंदु तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करता है और एक भड़कीला बंदूक चलाता है। कप्तान एक जीवन रक्षक नौका के साथ लौटता है। जहाज डूब जाता है लेकिन डूबा हुआ विक्रमादित्य तैरने में सफल हो जाते हैं। बाद में विक्रमादित्य अस्पताल पहुंचता है और बड़ा बरामद प्रेरणा के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। उनकी शादी हो जाती है जबकि तारा पैरालिंपिक जीतती है। फिल्म विक्रमादित्य की कहानी बनाती है, विक्रमादित्य कहानी बताती है जो एक हस्तरेखाविद है जो नियुति और प्रेरणा के लिए उसके प्यार के बीच संघर्ष करता है। 1978 में इटली में विक्रमादित्य विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखाविद है। हस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया। इस संत परमहंस के शिष्य हैं विक्रमादित्य जो रिश्तों में विश्वास नहीं करता है। तुरंत डॉक्टर प्रेरणा के लिए गिर जाते हैं। वे एक ट्रेन में मिलते हैं लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य व्यापारी आनंद राजपूत की हथेली पड़ता है। जैसे कि विक्रमादित्य अपने पक्ष में भविष्यवाणी नहीं करता है, राजपाल के लोग उसका पीछा करते हैं जिसका परिणाम स्वरूप उनके दुर्घटना होती है। वो प्रेरणा के अस्पताल में भर्ती है और वहाँ उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य प्रेरणा को उसका साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव देते हैं। हालांकि प्रेरणा शहर छोड़ देते हैं लेकिन विक्रमादित्य पूरे रास्ते उसका पीछा करते हैं। वो मान जाती है और वे एक दूसरे को डेट करने लगती है। हालांकि प्रेरणा के चाचा उसे विक्रमादित्य के प्रति कोई भावना विकसित नहीं करने के लिए कहते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा करते हैं तो एक अजनबी उससे अपनी बेटी द्वारा एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वो भविष्यवाणी करता है कि खेलों में इसका कोई भविष्य नहीं है और इसे उसके वजह शिक्षा और ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से हचकित होकर कोच में कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी पूछता है, लेकिन विक्रमादित्य हिचकिचाए के साथ प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर किसी का तत्काल मौत होनी तय है। वो उसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है लेकिन व्यर्थ। उस शाम बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है जिससे कोई लोग हताहत हो जाती है।
हस्तरेखा शास्त्र में विश्वास करने वाली प्रेरणा विक्रमादित्य से उसकी हथेली पढ़ने की कहती है। वो भविष्यवाणी करता है कि उज्जवल भविष्य के साथ उसका लंबा जीवन होगा, लेकिन वो खून बहने वाली नाक से तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा जो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी है, बताते हैं कि वो एक लाइलाज ट्यूमर से प्रेरित है और महीनों के भीतर उसका मृत्यु हो सकते हैं। विक्रमादित्य असहमत है और क्योंकि उन्होंने अन्यथा भविष्यवाणी की थी, लेकिन उन्हें अस्पताल से बाहर निकाला गया था। प्रेरणा और अपने जीवन को लेकर अशांतित है। दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि विक्रमादित्य एक धोखेबाज है और केवल दवा की इसकी किस्मत बदल सकती है। वो 5 मृत लोगों की हथेली से विक्रमादित्य का परीक्षण करता है और विक्रमादित्य उस सभी को सही ढंग से काटते हैं। उसके चाचा अपना मन बदलते हैं और विक्रमादित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल गया। खुशी से भरी प्रेरणा विक्रमादित्य को प्रपोज करती है। हालांकि उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास प्रेम की रेखा नहीं है और वो जल्द ही देश छोड़ देगा। निराश प्रेरणा दुख के साथ आत्महत्या करने के प्रयास करती है, लेकिन विक्रमादित्य की डायरी में आती है। उसे पता चलता है कि विक्रमादित्य उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार था। जाने से पहले विक्रमादित्य प्रेरणा को उसकी इच्छा के अनुसार एक बॉलरूम नृत्य में ले जाता है और युगल रात को अंतरंग रूप में बिताते हैं। प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वो अपनी जान देना पसंद करेगी। वो स्वेच्छा से एक कार दुर्घटना का शिकार होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विक्रमादित्य तो जो अपनी माँ के डांस शो के लिए लंदन में थे, डायरी में प्रेरणा का नोट पड़ता है। वो अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वो प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है, उससे जल्द मिलने का वादा करता है। जब विक्रमादित्य अपनी भविष्यवाणी को लेकर दुविधा में होता है, तो उसकी मुलाकात ट्रेन में इस लड़कियों से होती है जिससे दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया है। वो विक्रमादित्य से कहती है कि क्योंकि जब उसकी हथेली नहीं है, इसलिए वो अपना भाग्य लिख सकती है। विक्रमादित्य जो अब प्रेरणा से मिलते हैं जल्दी में है एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर इटली जाते हैं, जिसके कप्तानी एक व्यक्ति करता है जिससे वो अस्पताल में मिला था। हालांकि जहाज समुद्र में तूफान की चपेट में आ जाता है और हर कोई कप्तान के आदेश पर जहाज को छोड़ देता है। हालांकि विक्रमादित्य तो अकेले जहाज में फंसा हुआ है। प्रकृति की शक्ति में अभिभूत विक्रमादित्य तो अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। वो अपने गुरु महापरमहंस के इस दावे को याद करते के लिए हस्तरेखा विज्ञान केवल 99% सटीक है और 1% लोग ऐसे हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्प, वो एक उच्च बिंदु तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करता है और एक भड़कीला बंदूक चलाता है। कप्तान एक जीवन रक्षक नौका के साथ लौटता है। जहाज डूब जाता है, लेकिन डूबा हुआ विक्रमादित्य तैरने में सफल हो जाते हैं। बाद में विक्रमादित्य अस्पताल पहुंचता है और बरामद प्रेरणा के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। उनकी शादी हो जाती है जबकि तारा पैरालिंकिंग जीतती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, उसका नाम है राधे श्याम। तो ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर बिना झंझट में देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। राधे श्याम एक 2022 भारतीय पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे राधा कृष्ण कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म यूवी क्रिएशंस और टी सीरीज द्वारा निर्मित है और इसे तेलुगु और हिंदी भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है। इसमें प्रभास और पूजा हेगड़े हैं। 1970 के दशक के यूरोप पर आधारित फिल्म विक्रमादित्य की कहानी बनाती है। विक्रमादित्य कहानी बताती है जो एक हस्तरेखाविद है जो नियुति और प्रेरणा के लिए उसके
प्यार के बीच संघर्ष करता है। 1978 में इटली में विक्रमादित्य विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखाविद है। हस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया। इस संत परमहंस के शिष्य है विक्रमादित्य, जो रिश्तों में विश्वास नहीं करता है। तुरंत डॉक्टर प्रेरणा के लिए गिर जाते हैं। वे एक ट्रेन में मिलते हैं, लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य व्यापारी आनंद राजपूत की हथेली पड़ता है। जैसे कि विक्रमादित्य अपने पक्ष में भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता है, राजपाल के लोग उसका पीछा करते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप उनके दुर्घटना होती है। वो प्रेरणा के अस्पताल में भर्ती है और वहाँ उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य प्रेरणा को उसका साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव देते हैं। हालांकि प्रेरणा शहर छोड़ देते हैं, लेकिन विक्रमादित्य पूरे रास्ते उसका पीछा करते हैं। वो मान जाती है और वे एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। हालांकि प्रेरणा के चाचा उसे विक्रमादित्य के प्रति कोई भावना विकसित नहीं करने के लिए कहते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा करते हैं, तो एक अजनबी उससे अपनी बेटी द्वारा एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वो भविष्यवाणी करता है कि खेलों में इसका कोई भविष्य नहीं है और इसे उसके वजह शिक्षा और ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से हचकित होकर कोच में कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी पूछता है, लेकिन विक्रमादित्य हिचकिचाए के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर किसी का तत्काल मौत होनी तय है। वो उसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है, लेकिन व्यर्थ। उस शाम बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है, जिससे कोई लोग हताहत हो जाती है। हस्तरेखा शास्त्र में विश्वास करने वाली प्रेरणा विक्रमादित्य से उसकी हथेली पढ़ने की कहती है। वो भविष्यवाणी करता है कि उज्जवल भविष्य के साथ उसका लंबा जीवन होगा, लेकिन वो खून बहने वाली नाक से तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा जो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी है, बताते हैं कि वो एक लाइलाज ट्यूमर से प्रेरित है और महीनों के भीतर उसका मृत्यु हो सकते हैं। विक्रमादित्य असहमत है, और क्योंकि उन्होंने अन्यथा भविष्यवाणी की थी, लेकिन उन्हें अस्पताल से बाहर निकाला गया था। प्रेरणा और अपने जीवन को लेकर अशांतित है। दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि विक्रमादित्य एक धोखेबाज है और केवल दवा की इसकी किस्मत बदल सकती है। वो 5 मृत लोगों की हथेली से विक्रमादित्य का परीक्षण करता है और विक्रमादित्य उस सभी को सही ढंग से काटते हैं। उसके चाचा अपना मन बदलते हैं और विक्रमादित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल गया। खुशी से भरी प्रेरणा विक्रमादित्य को प्रपोज करती है। हालांकि उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास प्रेम की रेखा नहीं है और वो जल्द ही देश छोड़ देगा। निराश प्रेरणा दुख के साथ आत्महत्या करने के प्रयास करती है, लेकिन विक्रमादित्य की डायरी में आती है। उसे पता चलता है कि विक्रमादित्य उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार था। जाने से पहले विक्रमादित्य प्रेरणा को उसकी इच्छा के अनुसार एक बॉलरूम नृत्य में ले जाता है और जुगल रात को अंतरंग रूप में बिताते हैं। प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वो अपनी जान देना पसंद करेगी। वो स्वेच्छा से एक कार दुर्घटना का शिकार होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विक्रमादित्य जो अपनी माँ के डांस शो के लिए लंदन में थे, डायरी में प्रेरणा का नोट पढ़ता है। वो अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वो प्रेरणा से
जीने का आग्रह करता है। जो वो प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है उससे जल्द मिलने का वादा करता है। जब विक्रमादित्य अपनी भविष्यवाणी को लेकर दुविधा में होता है तो उसकी मुलाकात ट्रेन में इस लड़की से होती है जिससे दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया है। वो विक्रमादित्य से कहता है कि वो विक्रमादित्य से कहती है कि क्योंकि जब उसकी हथेली नहीं है इसलिए वो अपना भाग्य लिख सकती है। विक्रमादित्य जो अब प्रेरणा से मिलते हैं जल्दी जल्दी में एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर इटली जाते हैं जिसके कप्तानी एक व्यक्ति करता है जिससे वो अस्पताल में मिला था। हालांकि जहाज समुद्र में तूफान की चपेट में आ जाता है और हर कोई कप्तान के आदेश पर जहाज को छोड़ देता है। हालांकि विक्रमादित्य अकेले जहाज में फंसा हुआ है। प्रकृति की शक्ति में अभिभूत विक्रमादित्य अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। वो अपने गुरु महाब्रह्मवंश के इस दावे को याद करते हैं के लिए हस्तरेखा विज्ञान केवल 99% सटीक है और 1% लोग ऐसे हैं जो अपना भाग खुद लिखते हैं। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्प, वो एक उच्च बिंदु तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करता है और एक भड़कीला बंदूक चलाता है। कप्तान एक जीवन रक्षक नौका के साथ लौटता है। जहाज डूब जाता है लेकिन डूबा हुआ विक्रमादित्य तैरने में सफल हो जाते हैं। बाद में विक्रमादित्य अस्पताल पहुंचता है और बड़ा बरामद प्रेरणा के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। उनकी शादी हो जाती है जबकि तारा रेलिंग जीतती है। फिल्म विक्रमादित्य की कहानी बनाती है विक्रमादित्य कहानी बताती है जो एक हस्तरेखविद है जो नियुक्ति और प्रेरणा के लिए उसके प्यार के बीच संघर्ष करता है। 1978 में इटली में विक्रमादित्य विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखाविद है। हस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया। इस संत परमहंस के शिष्य है विक्रमादित्य जो रिश्तों में विश्वास नहीं करता है। तुरंत डॉक्टर प्रेरणा के लिए गिर जाते हैं। वे एक ट्रेन में मिलते हैं लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य व्यापारी आनंद राजपूत की हथेली पड़ता है। जैसे कि विक्रमादित्य अपने पक्ष में भविष्यवाणी नहीं करता है, राजपाल के लोग उसका पीछा करते हैं जिसका परिणाम स्वरूप उनके दुर्घटना होती है। वो प्रेरणा के अस्पताल में भर्ती है और वहाँ उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य प्रेरणा को उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव देते हैं। हालांकि प्रेरणा शहर छोड़ देते हैं लेकिन विक्रमादित्य पूरे रास्ते उसका पीछा करते हैं। वो मान जाती है और वे एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। हालांकि प्रेरणा के चाचा उसे विक्रमादित्य के प्रति कोई भावना विकसित नहीं करने के लिए कहते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा करते हैं तो एक अजनबी उससे अपनी बेटी द्वारा एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वो भविष्यवाणी करता है कि खेलों में इसका कोई भविष्य नहीं है और इसे उसके वजह शिक्षा और ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से हचकित होकर कोच में कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी पूछता है लेकिन विक्रमादित्य हिचकिचाए के साथ प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर किसी का तत्काल मौत होनी तय है। वो उसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है लेकिन व्यर्थ। उस शाम बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है जिससे कोई लोग हताहत हो जाती है। हस्तरेखा शास्त्र में विश्वास करने वाली प्रेरणा विक्रमादित्य से उसकी हथेली पढ़ने की कहती है। वो भविष्यवाणी करता है कि उज्जवल भविष्य के साथ उसका लंबा जीवन होगा लेकिन वो खून बहने वाली नाक से तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा जो अस्पताल में भर्ती कराए जाते हैं जहां उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी है बताते हैं कि वो एक लाइलाज ट्यूमर से प्रेरित है और महीनों के भीतर उसका मृत्यु हो सकते हैं। विक्रमादित्य असहमत है और क्योंकि उन्होंने अन्यथा भविष्यवाणी की थी लेकिन उन्हें अस्पताल से बाहर निकाला गया था। प्रेरणा और अपने जीवन को लेकर अशांतित है। दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि विक्रमादित्य एक धोखेबाज है और केवल दवा की इसकी
किस्मत बदल सकती है। वो 5 मृत लोगों की हथेली से विक्रमादित्य का परीक्षण करता है और विक्रमादित्य उस सभी को सही ढंग से काटते हैं। उसके चाचा अपना मन बदलते हैं और विक्रमादित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल गया। खुशी से भरी प्रेरणा विक्रमादित्य को प्रपोज करती है। हालांकि उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास प्रेम की रेखा नहीं है और वो जल्द ही देश छोड़ देगा। निजास प्रेरणा दुख के साथ आत्महत्या करने के प्रयास करती है, लेकिन विक्रमादित्य की डायरी में आती है। उसे पता चलता है कि विक्रमादित्य उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार था। जाने से पहले विक्रमादित्य प्रेरणा को उसकी इच्छा के अनुसार एक बलरूम नृत्य में ले जाता है और जुगल रात को अंतरंग रूप में बिताते हैं। प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वो अपनी जान देना पसंद करेगी। वो स्वेच्छा से एक कार दुर्घटना का शिकार होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विक्रमादित्य जो अपनी माँ के डांस शो के लिए लंदन में थे, डायरी में प्रेरणा का नोट पड़ता है। वो अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वो प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है, उससे जल्द मिलने का वादा करता है। जब विक्रमादित्य अपनी भविष्यवाणी को लेकर दुविधा में होता है तो उसकी मुलाकात ट्रेन में इस लड़की से होती है जिससे दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया है। वो विक्रमादित्य से कहती है कि क्योंकि जब उसकी हथेली नहीं है इसलिए वो अपना भाग्य लिख सकती है। विक्रमादित्य जो अब प्रेरणा से मिलते हैं जल्दी में है एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर इटली जाते हैं, जिसके कप्तानी एक व्यक्ति करता है जिससे वो अस्पताल में मिला था। हालांकि जहाज समुद्र में तूफान की चपेट में आ जाता है और हर कोई कप्तान के आदेश पर जहाज वो छोड़ देता है। हालांकि विक्रमादित्य अकेले जहाज में फंसा हुआ है। प्रकृति की शक्ति में अभिभूत विक्रमादित्य अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। वो अपने गुरु महाब्रह्मवंश के इस दावे को याद करने के लिए हस्तरेखा विज्ञान केवल 99% सटीक है और 1% लोग ऐसे हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्प, वो एक उच्च बिंदु तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करता है और एक भड़कीला बंदूक चलाता है। कप्तान एक जीवन रक्षक नौका के साथ लौटता है। जहाज डूब जाता है लेकिन डूबा हुआ विक्रमादित्य तैरने में सफल हो जाते हैं। बाद में विक्रमादित्य अस्पताल पहुंचता है और बड़ा बरामद प्रेरणा के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। उनकी शादी हो जाती है जबकि तारा रेलिंग में जीतती है। फिल्म विक्रमादित्य की कहानी बनाती है, विक्रमादित्य कहानी बताती है जो एक हस्तरेखाविद है जो नियुति और प्रेरणा के लिए उसके प्यार के बीच संघर्ष करता है। 1978 में इटली में विक्रमादित्य विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखाविद है। हस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया। इस संत परमहंस के शिष्य है विक्रमादित्य जो रिश्तों में विश्वास नहीं करता है। तुरंत डॉक्टर प्रेरणा के लिए गिर जाते हैं। वे एक ट्रेन में मिलते हैं लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य व्यापारी आनंद राजपूत की हथेली पड़ता है। जैसे कि विक्रमादित्य अपने पक्ष में भविष्यवाणी नहीं करता है, राजपाल के लोग उसका पीछा करते हैं जिसका परिणाम स्वरूप उनके दुर्घटना होती है। वो प्रेरणा के अस्पताल में भर्ती है और वहाँ उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य प्रेरणा को उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव देते हैं। हालांकि प्रेरणा शहर छोड़ देते हैं लेकिन विक्रमादित्य पूरे रास्ते उसका पीछा करते हैं। वो मान जाती है और वे एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। हालांकि प्रेरणा के चाचा उसे विक्रमादित्य के प्रति कोई भावना विकसित नहीं करने के लिए कहते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा करते हैं तो एक अजनबी उससे अपनी बेटी द्वारा एक महत्वाकांक्षी
धनुर्धर की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वो भविष्यवाणी करता है कि खेलों में इसका कोई भविष्य नहीं है और इसे उसके वजह शिक्षा और ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से हचकित होकर कोच में कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी पूछता है, लेकिन विक्रमादित्य हिचकिचाहट के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर किसी का तत्काल मौत होनी तय है। वो उसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है, लेकिन व्यर्थ। उस शाम बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है, जिससे कोई लोग हताहत हो जाती है। हस्तरेखा शास्त्र में विश्वास करने वाली प्रेरणा विक्रमादित्य से उसकी हथेली पढ़ने की कहती है। वो भविष्यवाणी करता है कि उज्जवल भविष्य के साथ उसका लंबा जीवन होगा, लेकिन वो खून बहने वाली नाक से तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा जो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी है, बताते हैं कि वो एक लाइलाज ट्यूमर से प्रेरित है और महीनों के भीतर उसका मृत्यु हो सकते हैं। विक्रमादित्य असहमत है, और क्योंकि उन्होंने अन्यथा भविष्यवाणी की थी, लेकिन उन्हें अस्पताल से बाहर निकाला गया था। प्रेरणा और अपने जीवन को लेकर अशांतित है। दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि विक्रमादित्य एक धोखेबाज है और केवल दवा की इसकी किस्मत बदल सकती है। वो 5 मृत लोगों की हथेली से विक्रमादित्य का परीक्षण करता है और विक्रमादित्य उस सभी को सही ढंग से काटते हैं। उसके चाचा अपना मन बदलते हैं और विक्रमादित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल गया। खुशी से भरी प्रेरणा विक्रमादित्य को प्रपोज करती है। हालांकि उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास प्रेम की रेखा नहीं है और वो जल्द ही देश छोड़ देगा। निराश प्रेरणा दुख के साथ आत्महत्या करने के प्रयास करती है, लेकिन विक्रमादित्य की डायरी में आती है। उसे पता चलता है कि विक्रमादित्य उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार था। जाने से पहले विक्रमादित्य प्रेरणा को उसकी इच्छा के अनुसार एक बलरूम नृत्य में ले जाता है और जुगल रात को अंतरंग रूप में बिताते हैं। प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वो अपनी जान देना पसंद करेगी। वो स्वेच्छा से एक कार दुर्घटना का शिकार होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विक्रमादित्य जो अपनी माँ के डांस शो के लिए लंदन में थे, डायरी में प्रेरणा का नोट पढ़ता है। वो अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वो प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है, उससे जल्द मिलने का वादा करता है। जब विक्रमादित्य अपनी भविष्यवाणी को लेकर दुविधा में होता है, तो उसकी मुलाकात ट्रेन में इस लड़के से होती है, जिससे दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया है। वो विक्रमादित्य से कहती है कि क्योंकि जब उसकी हथेली नहीं है, इसलिए वो अपना भाग्य लिख सकती है। विक्रमादित्य जो अब प्रेरणा से मिलते हैं, जल्दी में है एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर इटली जाते हैं, जिसके कप्तानी एक व्यक्ति करता है जिससे वो अस्पताल में मिला था। हालांकि जहाज समुद्र में तूफान की चपेट में आ जाता है और हर कोई कप्तान के आदेश पर जहाज को छोड़ देता है। हालांकि विक्रमादित्य अकेले जहाज में फंसा हुआ है। प्रकृति की शक्ति में अभिभूत विक्रमादित्य अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। वो अपने गुरु महापरमहंस के इस दावे को याद करने के लिए हस्तरेखा विज्ञान केवल 99% सटीक है और 1% लोग ऐसे हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्प, वो एक उच्च बिंदु तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करता है और एक भड़कीला बंदूक चलाता है। कप्तान एक जीवन रक्षक नौका के साथ लौटता है। जहाज डूब जाता है, लेकिन डूबा हुआ विक्रमादित्य तैरने में सफल हो जाते हैं। बाद में विक्रमादित्य अस्पताल पहुंचता है और बड़ा बरामद प्रेरणा के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। उनकी शादी हो जाती है जबकि तारा पैरालिंपिक जीतती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको
प्रमोशन देने वाले हैं, उसका नाम है राधे श्याम। तो ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर बिना झंझट में देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। राधे श्याम एक 2022 भारतीय पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे राधा कृष्ण कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म यूबी क्रिएशंस और टी सीरीज द्वारा निर्मित है और इसे तेलुगु और हिंदी भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है। इसमें प्रभास और पूजा हेगड़े हैं। 1970 के दशक के यूरोप पर आधारित फिल्म विक्रमादित्य की कहानी बनाती है, विक्रमादित्य कहानी बताती है, जो एक हस्तरेखविद है जो नियुति और प्रेरणा के लिए उसके प्यार के बीच संघर्ष करता है। 1978 में इटली में विक्रमादित्य विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखाविद है। हस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया। इस संत परमहंस के शिष्य है विक्रमादित्य जो रिश्तों में विश्वास नहीं करता है। तुरंत डॉक्टर प्रेरणा के लिए गिर जाते हैं। वे एक ट्रेन में मिलते हैं लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य व्यापारी आनंद राजपूत की हथेली पड़ता है। जैसे कि विक्रमादित्य अपने पक्ष में भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता है, राजपाल के लोग उसका पीछा करते हैं जिसका परिणाम स्वरूप उनके दुर्घटना होती है। वो प्रेरणा के अस्पताल में भर्ती है और वहाँ उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य प्रेरणा को उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव देते हैं। हालांकि प्रेरणा शहर छोड़ देते हैं लेकिन विक्रमादित्य पूरे रास्ते उसका पीछा करते हैं। वो मान जाती है और वे एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। हालांकि प्रेरणा के चाचा उसे विक्रमादित्य के प्रति कोई भावना विकसित नहीं करने के लिए कहते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा करते हैं तो एक अजनबी उससे अपनी बेटी द्वारा एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वो भविष्यवाणी करता है कि खेलों में इसका कोई भविष्य नहीं है और इसे उसके वजह शिक्षा और ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से हचकित होकर कोच में कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी पूछता है लेकिन विक्रमादित्य हिचकिचाए के साथ प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर किसी का तत्काल मौत होनी तय है। वो उसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है लेकिन व्यर्थ। उस शाम बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है जिससे कोई लोग हताहत हो जाती है। हस्तरेखा शास्त्र में विश्वास करने वाली प्रेरणा विक्रमादित्य से उसकी हथेली पढ़ने की कहती है। वो भविष्यवाणी करता है कि उज्ज्वल भविष्य के साथ उसका लंबा जीवन होगा लेकिन वो खून बहने वाली नाक से तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा जो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी है बताते हैं कि वो एक लाइलाज ट्यूमर से प्रेरित है और महीनों के भीतर उसका मृत्यु हो सकते हैं। विक्रमादित्य असहमत है और क्योंकि उन्होंने अन्यथा भविष्यवाणी की थी लेकिन उन्हें अस्पताल से बाहर निकाला गया था। प्रेरणा और अपने जीवन को लेकर अशांतित है। दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि विक्रमादित्य एक धोखेबाज है और केवल दवा की इसकी किस्मत बदल सकती है। वो 5 मृत लोगों की हथेली से विक्रमादित्य का परीक्षण करता है और विक्रमादित्य उस सभी को सही ढंग से काटते हैं। उसके चाचा अपना मन बदलते हैं और विक्रमादित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल गया। खुशी से भरी प्रेरणा विक्रमादित्य को प्रपोज करती है। हालांकि उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास प्रेम की रेखा नहीं है और वो जल्द ही देश छोड़ देगा। निराश प्रेरणा दुख के साथ आत्महत्या करने के प्रयास करती है लेकिन विक्रमादित्य की डायरी में आती है। उसे पता चलता है कि विक्रमादित्य उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार था। जाने से पहले विक्रमादित्य प्रेरणा को उसकी इच्छा के अनुसार एक बॉलरूम नृत्य में ले जाना
जेल ले जाता है और युगल रात को अंतरंग रूप में बिताते हैं। प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वो अपनी जान देना पसंद करेगी। वो स्वेच्छा से एक कार दुर्घटना का शिकार होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विक्रमादित्य जो अपनी माँ के डांस शो के लिए लंदन में थे, डायरी में प्रेरणा का नोट पड़ता है। वो अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वो प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है, उससे जल्द मिलने का वादा करता है। जब विक्रमादित्य अपनी भविष्यवाणी को लेकर दुविधा में होता है तो उसकी मुलाकात ट्रेन में इस लड़की से होती है जिससे दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया है। वो विक्रमादित्य से कहती है कि क्योंकि जब उसकी हथेली नहीं है इसलिए वो अपना भाग्य लिख सकती है। विक्रमादित्य जो अब प्रेरणा से मिलते हैं जल्दी में है एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर इटली जाते हैं जिसके कप्तानी एक व्यक्ति करता है जिससे वो अस्पताल में मिला था। हालांकि जहाज समुद्र में तूफान की चपेट में आ जाता है और हर कोई कप्तान के आदेश पर जहाज को छोड़ देता है। हालांकि विक्रमादित्य अकेले जहाज में फंसा हुआ है। प्रकृति की शक्ति में अभिभूत विक्रमादित्य अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। वो अपने गुरु महापरमहंस के इस दावे को याद करने के लिए हस्तरेखा विज्ञान केवल 99% सटीक है और 1% लोग ऐसे हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्प, वो एक उच्च बिंदु तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करता है और एक भड़कीला बंदूक चलाता है। कप्तान एक जीवन रक्षक नौका के साथ लौटता है। जहाज डूब जाता है लेकिन डूबा हुआ विक्रमादित्य तैरने में सफल हो जाते हैं। बाद में विक्रमादित्य अस्पताल पहुंचता है और बड़ा बरामद प्रेरणा के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। उनकी शादी हो जाती है जबकि तारा पैरालंपिक जीतती है। फिल्म विक्रमादित्य की कहानी बनाती है विक्रमादित्य कहानी बताती है जो एक हस्तरिक विद है जो नियुति और प्रेरणा के लिए उसके प्यार के बीच संघर्ष करता है। 1978 में इटली में विक्रमादित्य विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखाविद है। हस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया। इस संत परमहंस के शिष्य है विक्रमादित्य जो रिश्तों में विश्वास नहीं करता है। तुरंत डॉक्टर प्रेरणा के लिए गिर जाते हैं। वे एक ट्रेन में मिलते हैं लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य व्यापारी आनंद राजपूत की हथेली पड़ता है। जैसे कि विक्रमादित्य अपने पक्ष में भविष्यवाणी नहीं करता है, राजपाल के लोग उसका पीछा करते हैं जिसका परिणाम स्वरूप उनके दुर्घटना होती है। वो प्रेरणा के अस्पताल में भर्ती है और वहाँ उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य प्रेरणा को उसका साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव देते हैं। हालांकि प्रेरणा शहर छोड़ देते हैं लेकिन विक्रमादित्य पूरे रास्ते उसका पीछा करते हैं। वो मान जाती है और वे एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। हालांकि प्रेरणा के चाचा उसे विक्रमादित्य के प्रति कोई भावना विकसित नहीं करने के लिए कहते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा करते हैं तो एक अजनबी उससे अपनी बेटी द्वारा एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वो भविष्यवाणी करता है कि खेलों में इसका कोई भविष्य नहीं है और इसे उसके वजह शिक्षा और ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से हतचकित होकर कोच में कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी पूछता है लेकिन विक्रमादित्य हिचकिचाए के साथ प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर किसी का तत्काल मौत होनी तय है। वो उसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है लेकिन व्यर्थ। उस शाम बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है जिससे कोई लोग हताहत हो जाती है। हस्तरेखा शास्त्र में विश्वास करने वाली प्रेरणा विक्रमादित्य से उसकी हथेली पढ़ने की कहती है। वो भविष्यवाणी करता है कि उज्जवल भविष्य के साथ उसका लंबा जीवन होगा लेकिन वो खून बहने वाली नाक से तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा जो अस्पताल में भर्ती कराया जाते हैं जहां उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी है बताते हैं कि वो एक लाइलाज
लाइलाज ट्यूमर से प्रेरित है और महीनों के भीतर उसका मृत्यु हो सकते हैं। विक्रमादित्य असहमत है और क्योंकि उन्होंने अन्यथा भविष्यवाणी की थी, लेकिन उन्हें अस्पताल से बाहर निकाला गया था। प्रेरणा और अपने जीवन को लेकर अशांतित है। दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि विक्रमादित्य एक धोखेबाज है और केवल दवा की इसकी किस्मत बदल सकती है। वो 5 मृत लोगों की हथेली से विक्रमादित्य का परीक्षण करता है और विक्रमादित्य उस सभी को सही ढंग से काटते हैं। उसके चाचा अपना मन बदलते हैं और विक्रमादित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल गया। खुशी से भरी प्रेरणा विक्रमादित्य को प्रपोज करती है। हालांकि उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास प्रेम की रेखा नहीं है और वो जल्द ही देश छोड़ देगा। निराश प्रेरणा दुख के साथ आत्महत्या करने के प्रयास करती है, लेकिन विक्रमादित्य की डायरी में आती है उसे पता चलता है कि विक्रमादित्य उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार था। जाने से पहले विक्रमादित्य प्रेरणा को उसकी इच्छा के अनुसार एक बलरूम नृत्य में ले जाता है और युगल रात को अंतरंग रूप में बिताते हैं। प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वो अपनी जान देना पसंद करेगी। वो स्वेच्छा से एक कार दुर्घटना का शिकार होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विक्रमादित्य जो अपनी माँ के डांस शो के लिए लंदन में थे, डायरी में प्रेरणा का नोट पढ़ता है। वो अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वो प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है, उससे जल्द मिलने का वादा करता है। जब विक्रमादित्य अपनी भविष्यवाणी को लेकर दुविधा में होता है, तो उसकी मुलाकात ट्रेन में इस लड़की से होती है जिससे दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया है। वो विक्रमादित्य से कहती है कि क्योंकि जब उसकी हथेली नहीं है, इसलिए वो अपना भाग्य लिख सकती है। विक्रमादित्य जो अब प्रेरणा से मिलते हैं जल्दी में है, एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर इटली जाते हैं, जिसके कप्तानी एक व्यक्ति करता है जिससे वो अस्पताल में मिला था। हालांकि जहाज समुद्र में तूफान की चपेट में आ जाता है और हर कोई कप्तान के आदेश पर जहाज को छोड़ देता है। हालांकि विक्रमादित्य अकेले जहाज में फंसा हुआ है। प्रकृति की शक्ति में अभिभूत विक्रमादित्य अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। वो अपने गुरु महापरमहंस के इस दावे को याद करने के लिए हस्तरेखा विज्ञान केवल 99% सटीक है और 1% लोग ऐसे हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्प, वो एक उच्च बिंदु तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करता है और एक भड़कीला बंदूक चलाता है। कप्तान एक जीवन रक्षक नौका के साथ लौटता है। जहाज डूब जाता है, लेकिन डूबा हुआ विक्रमादित्य तैरने में सफल हो जाते हैं। बाद में विक्रमादित्य अस्पताल पहुंचता है और बड़ा मत प्रेरणा के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। उनकी शादी हो जाती है जबकि तारा पैरालिंपिक जीतती है। फिल्म विक्रमादित्य की कहानी बनाती है कहानी बताती है जो एक हस्तरेखाविद है जो नियुति और प्रेरणा के लिए उसके प्यार के बीच संघर्ष करता है। 1978 में इटली में विक्रमादित्य विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखाविद है। हस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया। इस संत परमहंस के शिष्य है विक्रमादित्य जो रिश्तों में विश्वास नहीं करता है। तुरंत डॉक्टर प्रेरणा के लिए गिर जाते हैं। वे एक ट्रेन में मिलते हैं, लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य व्यापारी आनंद राजपूत की हथेली पढ़ता है। जैसे कि विक्रमादित्य अपने पक्ष में भविष्यवाणी नहीं करता है, राजपाल के लोग उसका पीछा करते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप उनके दुर्घटना होती है। वो प्रेरणा के अस्पताल में भर्ती है और वहाँ उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद
बाद विक्रांतित्व प्रेरणा को उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव देते हैं। हालांकि प्रेरणा शहर छोड़ देते हैं, लेकिन विक्रांतित्व पूरे रास्ते उसका पीछा करते हैं। वो मान जाती है और वे एक दूसरे को डेट करने लगती है। हालांकि प्रेरणा के चाचा उसे विक्रांतित्व के प्रति कोई भावना विकसित नहीं करने के लिए कहते हैं। जब विक्रांतित्व और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा करते हैं तो एक अजनबी उससे अपनी बेटी द्वारा एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वो भविष्यवाणी करता है कि खेलों में इसका कोई भविष्य नहीं है और इसे उसके वजह शिक्षा और ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से हचकित होकर कोच में कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी पूछता है, लेकिन विक्रमादित्य हिचकिचाए के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर किसी का तत्काल मौत होनी तय है। वो उसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है, लेकिन व्यर्थ। उस शाम बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है, जिससे कोई लोग हताहत हो जाती है। हस्तरेखा शास्त्र में विश्वास करने वाली प्रेरणा विक्रमादित्य से उसकी हथेली पढ़ने की कहती है। वो भविष्यवाणी करता है कि उज्जवल भविष्य के साथ उसका लंबा जीवन होगा, लेकिन वो खून बहने वाली नाक से तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा जो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी है, बताते हैं कि वो एक लाइलाज ट्यूमर से प्रेरित है और महीनों के भीतर उसका मृत्यु हो सकते हैं। विक्रमादित्य असहमत है और क्योंकि उन्होंने अन्यथा भविष्यवाणी की थी, लेकिन उन्हें अस्पताल से बाहर निकाला गया था। प्रेरणा और अपने जीवन को लेकर अशांतित है। दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि विक्रमादित्य एक धोखेबाज है और केवल दवा की इसकी किस्मत बदल सकती है। वो 5 मृत लोगों की हथेली से विक्रमादित्य का परीक्षण करता है और विक्रमादित्य उस सभी को सही ढंग से काटते हैं। उसके चाचा अपना मन बदलते हैं और विक्रमादित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल गया। खुशी से भरी प्रेरणा विक्रमादित्य को प्रपोज करती है। हालांकि उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास प्रेम की रेखा नहीं है और वो जल्द ही देश छोड़ देगा। निराश प्रेरणा दुख के साथ आत्महत्या करने के प्रयास करती है, लेकिन विक्रमादित्य की डायरी में आती है। उसे पता चलता है कि विक्रमादित्य उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार था। जाने से पहले विक्रमादित्य प्रेरणा को उसकी इच्छा के अनुसार एक बलरूम नृत्य में ले जाता है और जुगल रात को अंतरंग रूप में बिताते हैं। प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वो अपनी जान देना पसंद करेगी। वो स्वेच्छा से एक कार दुर्घटना का शिकार होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विक्रमादित्य जो अपनी माँ के डांस शो के लिए लंदन में थे, डायरी में प्रेरणा का नोट पड़ता है। वो अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वो प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है, उससे जल्द मिलने का वादा करता है। जब विक्रमादित्य अपनी भविष्यवाणी को लेकर दुविधा में होता है तो उसकी मुलाकात ट्रेन में इस लड़की से होती है, जिससे दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया है। वो विक्रमादित्य से कहती है कि क्योंकि जब उसकी हथेली नहीं है, इसलिए वो अपना भाग्य लिख सकती है। विक्रमादित्य जो अब प्रेरणा से मिलते हैं जल्दी में है एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर इटली जाते हैं, जिसके कप्तानी एक व्यक्ति करता है जिससे वो अस्पताल में मिला था। हालांकि जहाज समुद्र में तूफान की चपेट में आ जाता है और हर कोई कप्तान के आदेश पर जहाज को छोड़ देता है। हालांकि विक्रमादित्य अकेले जहाज में फंसा हुआ है। प्रकृति की शक्ति में अभिभूत विक्रमादित्य अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। वो अपने गुरु महाब्रह्मवंश के इस दावे को याद करने के लिए हस्तरेखा विज्ञान केवल 99% सटीक है और 1% लोग ऐसे हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं।
जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्प, वो एक उच्च बिंदु तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करता है और एक भड़कीला बंदूक चलाता है। कप्तान एक जीवन रक्षक नौका के साथ लौटता है। जहाज डूब जाता है, लेकिन डूबा हुआ विक्रमादित्य तैरने में सफल हो जाते हैं। बाद में विक्रमादित्य अस्पताल पहुंचता है और बड़ा बरामद प्रेरणा के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। उनकी शादी हो जाती है जबकि तारा पैरालिंग जीतती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है राधे श्याम। तो ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर बिना झंझट में देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। राधे श्याम एक 2022 भारतीय पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे राधा कृष्ण कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म यूवी क्रिएशंस और टी सीरीज द्वारा निर्मित है और इसे तेलुगु और हिंदी भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है। इसमें प्रभास और पूजा हेगड़े हैं। 1970 के दशक के यूरोप पर आधारित फिल्म विक्रमादित्य की कहानी बनाती है। विक्रमादित्य कहानी बताती है जो एक हस्तरेखविद है जो नियुति और प्रेरणा के लिए उसके प्यार के बीच संघर्ष करता है। 1978 में इटली में विक्रमादित्य विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखाविद है। हस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया। इस संत परमहंस के शिष्य है विक्रमादित्य जो रिश्तों में विश्वास नहीं करता है। तुरंत डॉक्टर प्रेरणा के लिए गिर जाते हैं। वे एक ट्रेन में मिलते हैं लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य व्यापारी आनंद राजपूत की हथेली पड़ता है। जैसे कि विक्रमादित्य अपने पक्ष में भविष्यवाणी नहीं करता है, राजपाल के लोग उसका पीछा करते हैं जिसका परिणाम स्वरूप उनके दुर्घटना होती है। वो प्रेरणा के अस्पताल में भर्ती है और वहाँ उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य प्रेरणा को उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव देते हैं। हालांकि प्रेरणा शहर छोड़ देते हैं लेकिन विक्रमादित्य पूरे रास्ते उसका पीछा करते हैं। वो मान जाती है और वे एक दूसरे को डेट करने लगती है। हालांकि प्रेरणा के चाचा उसे विक्रमादित्य के प्रति कोई भावना विकसित नहीं करने के लिए कहते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा करते हैं तो एक अजनबी उससे अपनी बेटी द्वारा एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वो भविष्यवाणी करता है कि खेलों में इसका कोई भविष्य नहीं है और इसे उसके वजह शिक्षा और ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से हचकित होकर कोच में कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी पूछता है, लेकिन विक्रमादित्य हिचकिचा के साथ प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर किसी का तत्काल मौत होनी तय है। वो उसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है लेकिन व्यर्थ। उस शाम बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है जिससे कोई लोग हताहत हो जाती है। हस्तरेखा शास्त्र में विश्वास करने वाली प्रेरणा विक्रमादित्य से उसकी हथेली पढ़ने की कहती है। वो भविष्यवाणी करता है कि उज्ज्वल भविष्य के साथ उसका लंबा जीवन होगा लेकिन वो खून बहने वाली नाक से तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा जो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी है बताते हैं कि वो एक लाइलाज ट्यूमर से प्रेरित है और महीनों के भीतर उसका मृत्यु हो सकते हैं। विक्रमादित्य असहमत है और क्योंकि उन्होंने अन्यथा भविष्यवाणी की थी लेकिन उन्हें अस्पताल से बाहर निकाला गया था। प्रेरणा और अपने जीवन को लेकर अशांतित है। दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि विक्रमादित्य एक धोखेबाज है और केवल दवा की इसकी किस्मत बदल सकती है। वो 5 मृत लोगों की हथेली से विक्रमादित्य का परीक्षण करता है और विक्रमादित्य उस सभी को सही ढंग से काटते हैं। उसके चाचा अपना मन बदलते हैं और विक्रमादित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल गया। खुशी से भरी प्रेरणा विक्रमादित्य को प्रपोज करती है। हालांकि उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता।
सकता है क्योंकि उसके पास प्रेम की रेखा नहीं है और वो जल्द ही देश छोड़ देगा। निजास प्रेरणा दुख के साथ आत्महत्या करने के प्रयास करती है लेकिन विक्रमादित्य की डायरी में आती है। उसे पता चलता है कि विक्रमादित्य उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार था। जाने से पहले विक्रमादित्य प्रेरणा को उसकी इच्छा के अनुसार एक बलरूम नृत्य में ले जाता है और जुगल रात को अंतरंग रूप में बिताते हैं। प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वो अपनी जान देना पसंद करेगी। वो स्वेच्छा से एक कार दुर्घटना का शिकार होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विक्रमादित्य जो अपनी माँ के डांस शो के लिए लंदन में थे, डायरी में प्रेरणा का नोट पड़ता है। वो अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वो प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है, उससे जल्द मिलने का वादा करता है। जब विक्रमादित्य अपनी भविष्यवाणी को लेकर दुविधा में होता है तो उसकी मुलाकात ट्रेन में इस लड़की से होती है जिससे दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया है। वो विक्रमादित्य से कहती है कि क्योंकि जब उसकी हथेली नहीं है इसलिए वो अपना भाग्य लिख सकती है। विक्रमादित्य जो अब प्रेरणा से मिलते हैं जल्दी में है एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर इटली जाते हैं जिसकी कप्तानी एक व्यक्ति करता है जिससे वो अस्पताल में मिला था। हालांकि जहाज समुद्र में तूफान की चपेट में आ जाता है और हर कोई कप्तान के आदेश पर जहाज को छोड़ देता है। हालांकि विक्रमादित्य अकेले जहाज में फंसा हुआ है। प्रकृति की शक्ति में अभिभूत विक्रमादित्य अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। वो अपने गुरु महापरमहंस के इस दावे को याद करने के लिए हस्तरेखा विज्ञान केवल 99% सटीक है और 1% लोग ऐसे हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्प, वो एक उच्च बिंदु तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करता है और एक भड़कीला बंदूक चलाता है। कप्तान एक जीवन रक्षक नौका के साथ लौटता है। जहाज डूब जाता है लेकिन डूबा हुआ विक्रमादित्य तैरने में सफल हो जाते हैं। बाद में विक्रमादित्य अस्पताल पहुंचता है और बड़ा बरामद प्रेरणा के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। उनकी शादी हो जाती है जबकि तारा रेलिंग जीतती है। फिल्म विक्रमादित्य की कहानी बनाती है विक्रमादित्य कहानी बताती है जो एक हस्तरिक विद है जो नियुति और प्रेरणा के लिए उसके प्यार के बीच संघर्ष करता है। 1978 में इटली में विक्रमादित्य विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखाविद है। हस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया। इस संत परमहंस के शिष्य है विक्रमादित्य जो रिश्तों में विश्वास नहीं करता है। तुरंत डॉक्टर प्रेरणा के लिए गिर जाते हैं। वे एक ट्रेन में मिलते हैं लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य व्यापारी आनंद राजपूत की हथेली पड़ता है। जैसे कि विक्रमादित्य अपने पक्ष में भविष्यवाणी नहीं करता है, राजपाल के लोग उसका पीछा करते हैं जिसका परिणाम स्वरूप उनके दुर्घटना होती है। वो प्रेरणा के अस्पताल में भर्ती है और वहां उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य प्रेरणा को उसका साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव देते हैं। हालांकि प्रेरणा शहर छोड़ देते हैं लेकिन विक्रमादित्य पूरे रास्ते उसका पीछा करते हैं। वो मान जाती है और वे एक दूसरे को डेट करने लगती है। हालांकि प्रेरणा के चाचा उसे विक्रमादित्य के प्रति कोई भावना विकसित नहीं करने के लिए कहते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा करते हैं तो एक अजनबी उससे अपनी बेटी द्वारा एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वो भविष्यवाणी करता है कि खेलों में इसका कोई भविष्य नहीं है और इसे उसके वजह शिक्षा और ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से कोच में कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी पूछता है लेकिन विक्रमादित्य हिचकिचाए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर किसी का तत्काल मौत होनी तय है। वो उसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है लेकिन व्यर्थ। उस शाम बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है जिससे कोई लोग हताहत हो जाती है। हस्तरेखा शास्त्र में विश्वास करने वाली
प्रेरणा विक्रमादित्य से उसकी हथेली पढ़ने की कहती है। वो भविष्यवाणी करता है कि उज्ज्वल भविष्य के साथ उसका लंबा जीवन होगा लंबा जीवन होगा, लेकिन वो खून बहने वाली नाक से तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा जो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी है, बताते हैं कि वो एक लाइलाज ट्यूमर से प्रेरित है और महीनों के भीतर उसका मृत्यु हो सकते हैं। विक्रमादित्य असहमत है और क्योंकि उन्होंने अन्यथा भविष्यवाणी की थी, लेकिन उन्हें अस्पताल से बाहर निकाला गया था। प्रेरणा और अपने जीवन को लेकर अशांतित है। दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि विक्रमादित्य एक धोखेबाज है और केवल दवा की इसकी किस्मत बदल सकती है। वो 5 मृत लोगों की हथेली से विक्रमादित्य का परीक्षण करता है और विक्रमादित्य उस सभी को सही ढंग से काटते हैं। उसके चाचा अपना मन बदलते हैं और विक्रमादित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल गया। खुशी से भरी प्रेरणा विक्रमादित्य को प्रपोज करती है। हालांकि उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास प्रेम की रेखा नहीं है और वो जल्द ही देश छोड़ देगा। निराश प्रेरणा दुख के साथ आत्महत्या करने के प्रयास करती है, लेकिन विक्रमादित्य की डायरी में आती है। उसे पता चलता है कि विक्रमादित्य उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार था। जाने से पहले विक्रमादित्य प्रेरणा को उसकी इच्छा के अनुसार एक बॉलरूम नृत्य में ले जाता है और युगल रात को अंतरंग रूप में बिताते हैं। प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वो अपनी जान देना पसंद करेगी। वो स्वेच्छा से एक कार दुर्घटना का शिकार होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विक्रमादित्य तो जो अपनी माँ के डांस शो के लिए लंदन में थे, डायरी में प्रेरणा का नोट पड़ता है। वो अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वो प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है, उससे जल्द मिलने का वादा करता है। जब विक्रमादित्य अपनी भविष्यवाणी को लेकर दुविधा में होता है, तो उसकी मुलाकात ट्रेन में इस लड़की से होती है जिससे दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया है। वो विक्रमादित्य से कहती है कि क्योंकि जब उसकी हथेली नहीं है, इसलिए वो अपना भाग्य लिख सकती है। विक्रमादित्य जो अब प्रेरणा से मिलते हैं जल्दी में है एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर इटली जाते हैं, जिसके कप्तानी एक व्यक्ति करता है जिससे वो अस्पताल में मिला था। हालांकि जहाज समुद्र में तूफान की चपेट में आ जाता है और हर कोई कप्तान के आदेश पर जहाज को छोड़ देता है। हालांकि विक्रमादित्य अकेले जहाज में फंसा हुआ है। प्रकृति की शक्ति में अभिभूत विक्रमादित्य अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। वो अपने गुरु महापरमहंस के इस दावे को याद करने के लिए हस्तरेखा विज्ञान केवल 99% सठीक है और 1% लोग ऐसे हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्प, वो एक उच्च बिंदु तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करता है और एक भड़कीला बंदूक चलाता है। कप्तान एक जीवन रक्षक नौका के साथ लौटता है। जहाज डूब जाता है, लेकिन डूबा हुआ विक्रमादित्य तैरने में सफल हो जाते हैं। बाद में विक्रमादित्य अस्पताल पहुंचता है और बरामद प्रेरणा के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। उनकी शादी हो जाती है जबकि तारा पैरालिंकिंग जीतती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको देने वाले हैं, उसका नाम है राधे श्याम। तो ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर बिना झंझट में देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। राधे श्याम एक 2022 भारतीय पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे राधा कृष्ण कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म यूबी क्रिएशन और टी सीरीज द्वारा निर्मित है और इसे तेलुगु और हिंदी भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है। इसमें प्रभास और पूजा हेगड़े हैं। 1970 के दशक के यूरोप पर आधारित फिल्म विक्रमादित्य की कहानी बनाती है। विक्रमादित्य कहानी बताती है जो एक हस्तरेखाविद है जो नियुति और प्रेरणा के लिए उसके प्यार के बीच संघर्ष करता है। 1978 में इटली में विक्रमादित्य विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखाविद है। हस्तरेखा विज्ञान
के आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया। इस संत परमहंस के शिष्य है विक्रमादित्य, जो रिश्तों में विश्वास नहीं करता है। तुरंत डॉक्टर प्रेरणा के लिए गिर जाते हैं। वे एक ट्रेन में मिलते हैं लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य व्यापारी आनंद राजपूत की हथेली पड़ता है। जैसे कि विक्रमादित्य अपने पक्ष में भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता है, राजपाल के लोग उसका पीछा करते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप उनके दुर्घटना होती है। वो प्रेरणा के अस्पताल में भर्ती है और वहाँ उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य प्रेरणा को उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव देते हैं। हालांकि प्रेरणा शहर छोड़ देते हैं, लेकिन विक्रमादित्य पूरे रास्ते उसका पीछा करते हैं। वो मान जाती है और वे एक दूसरे को डेट करने लगती है। हालांकि प्रेरणा के चाचा उसे विक्रमादित्य के प्रति कोई भावना विकसित नहीं करने के लिए कहते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा करते हैं तो एक अजनबी उससे अपनी बेटी द्वारा एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वो भविष्यवाणी करता है कि खेलों में इसका कोई भविष्य नहीं है और इसे उसके वजह शिक्षा और ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से हचकित होकर कोच में कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी पूछता है, लेकिन विक्रमादित्य हिचकिचाए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर किसी का तत्काल मौत होनी तय है। वो उसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है, लेकिन व्यर्थ। उस शाम बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है, जिससे कोई लोग हताहत हो जाती है। हस्तरेखा शास्त्र में विश्वास करने वाली प्रेरणा विक्रमादित्य से उसकी हथेली पढ़ने की कहती है। वो भविष्यवाणी करता है कि उज्जवल भविष्य के साथ उसका लंबा जीवन होगा, लेकिन वो खून बहने वाली नाक से तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा जो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी है, बताते हैं कि वो एक लाइलाज ट्यूमर से प्रेरित है और महीनों के भीतर उसका मृत्यु हो सकते हैं। विक्रमादित्य असहमत है और क्योंकि उन्होंने अन्यथा भविष्यवाणी की थी, लेकिन उन्हें अस्पताल से बाहर निकाला गया था। प्रेरणा और अपने जीवन को लेकर अशांतित है। दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि विक्रमादित्य एक धोखेबाज है और केवल दवा की इसकी किस्मत बदल सकती है। वो 5 मृत लोगों की हथेली से विक्रमादित्य का परीक्षण करता है और विक्रमादित्य उस सभी को सही ढंग से काटते हैं। उसके चाचा अपना मन बदलते हैं और विक्रमादित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल गया। खुशी से भरी प्रेरणा विक्रमादित्य को प्रपोज करती है। हालांकि उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास प्रेम की रेखा नहीं है और वो जल्द ही देश छोड़ देगा। निराश प्रेरणा दुख के साथ आत्महत्या करने के प्रयास करती है, लेकिन विक्रमादित्य की डायरी में आती है। उसे पता चलता है कि विक्रमादित्य उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार था। जाने से पहले विक्रमादित्य प्रेरणा को उसकी इच्छा के अनुसार एक बॉलरूम नृत्य में ले जाता है और जुगल रात को अंतरंग रूप में बिताते हैं। प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वो अपनी जान देना पसंद करेगी। वो स्वेच्छा से एक कार दुर्घटना का शिकार होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विक्रमादित्य जो अपनी माँ के डांस शो के लिए लंदन में थे, डायरी में प्रेरणा का नोट पढ़ता है। वो अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वो प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है, उससे जल्द मिलने का वादा करता है। जब विक्रमादित्य अपनी भविष्यवाणी को लेकर दुविधा में होता है तो उसकी मुलाकात ट्रेन में इस लड़की से होती है, जिससे दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया है।
वो विक्रमादित्य से कहता है कि वो विक्रमादित्य से कहती है कि क्योंकि जब उसकी हथेली नहीं है इसलिए वो अपना भाग्य लिख सकती है। विक्रमादित्य जो अब प्रेरणा से मिलते हैं जल्दी जल्दी में एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर इटली जाते हैं जिसके कप्तानी एक व्यक्ति करता है जिससे वो अस्पताल में मिला था। हालांकि जहाज समुद्र में तूफान की चपेट में आ जाता है और हर कोई कप्तान के आदेश पर जहाज को छोड़ देता है। हालांकि विक्रमादित्य अकेले जहाज में फंसा हुआ है। प्रकृति की शक्ति में अभिभूत विक्रमादित्य अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। वो अपने गुरु महाब्रह्मवंश के इस दावे को याद करते के लिए हस्तरेखा विज्ञान केवल 99% सटीक है और 1% लोग ऐसे हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्प, वो एक उच्च बिंदु तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करता है और एक भड़कीला बंदूक चलाता है। कप्तान एक जीवन रक्षक नौका के साथ लौटता है। जहाज डूब जाता है लेकिन डूबा हुआ विक्रमादित्य तैरने में सफल हो जाते हैं। बाद में विक्रमादित्य अस्पताल पहुंचता है और बड़ा बरामद प्रेरणा के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। उनकी शादी हो जाती है जबकि तारा पैरालंपिक जीतती है। फिल्म विक्रमादित्य की कहानी बनाती है विक्रमादित्य कहानी बताती है जो एक हस्तरिक क्विड है जो नियुति और प्रेरणा के लिए उसके प्यार के बीच संघर्ष करता है। 1978 में इटली में विक्रमादित्य विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखाविद है। हस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया। इस संत परमहंस के शिष्य है विक्रमादित्य जो रिश्तों में विश्वास नहीं करता है। तुरंत डॉक्टर प्रेरणा के लिए गिर जाते हैं। वे एक ट्रेन में मिलते हैं लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य व्यापारी आनंद राजपूत की हथेली पड़ता है। जैसे कि विक्रमादित्य अपने पक्ष में भविष्यवाणी नहीं करता है, राजपाल के लोग उसका पीछा करते हैं जिसका परिणाम स्वरूप उनके दुर्घटना होती है। वो प्रेरणा के अस्पताल में भर्ती है और वहाँ उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य प्रेरणा को उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव देते हैं। हालांकि प्रेरणा शहर छोड़ देते हैं लेकिन विक्रमादित्य पूरे रास्ते उसका पीछा करते हैं। वो मान जाती है और वे एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। हालांकि प्रेरणा के चाचा उसे विक्रमादित्य के प्रति कोई भावना विकसित नहीं करने के लिए कहते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा करते हैं तो एक अजनबी उससे अपनी बेटी द्वारा एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वो भविष्यवाणी करता है कि खेलों में इसका कोई भविष्य नहीं है और इसे उसके वजह शिक्षा और ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से कोच में कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी पूछता है लेकिन विक्रमादित्य हिचकिचाए के साथ प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर किसी का तत्काल मौत होनी तय है। वो उसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है लेकिन व्यर्थ। उस शाम बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है जिससे कोई लोग हताहत हो जाती है। हस्तरेखा शास्त्र में विश्वास करने वाली प्रेरणा विक्रमादित्य से उसकी हथेली पढ़ने की कहती है। वो भविष्यवाणी करता है कि उज्जवल भविष्य के साथ उसका लंबा जीवन होगा लेकिन वो खून बहने वाली नाक से तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा जो अस्पताल में भर्ती कराया जाते हैं जहां उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी है बताते हैं कि वो एक लाइलाज ट्यूमर से प्रेरित है और महीनों के भीतर उसका मृत्यु हो सकते हैं। विक्रमादित्य असहमत है और क्योंकि उन्होंने अन्यथा भविष्यवाणी की थी लेकिन उन्हें अस्पताल से बाहर निकाला गया था। प्रेरणा और अपने जीवन को लेकर अशांतित है। दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि विक्रमादित्य एक धोखेबाज है और केवल दवा की इसकी किस्मत बदल सकती है। वो 5 मृत लोगों की हथेली से विक्रमादित्य का परीक्षण करता है और विक्रमादित्य उस सभी को सही ढंग से काटते हैं। उसके चाचा अपना मन बदलते हैं और विक्रमादित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल गया। खुशी से भरी प्रेरणा विक्रमादित्य
लड़कों को प्रपोज करती है। हालांकि उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास प्रेम की रेखा नहीं है और वो जल्द ही देश छोड़ देगा। निजास प्रेरणा दुख के साथ आत्महत्या करने के प्रयास करती है लेकिन विक्रमादित्य की डायरी में आती है। उसे पता चलता है कि विक्रमादित्य उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार था। जाने से पहले विक्रमादित्य प्रेरणा को उसकी इच्छा के अनुसार एक बलरूम नृत्य में ले जाता है और जुगल रात को अंतरंग रूप में बिताते हैं। प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वो अपनी जान देना पसंद करेगी। वो स्वेच्छा से एक कार दुर्घटना का शिकार होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विक्रमादित्य जो अपनी माँ के डांस शो के लिए लंदन में थे, डायरी में प्रेरणा का नोट पढ़ता है। वो अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वो प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है उससे जल्द मिलने का वादा करता है। जब विक्रमादित्य अपनी भविष्यवाणी को लेकर दुविधा में होता है तो उसकी मुलाकात ट्रेन में इस लड़की से होती है जिससे दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया है। वो विक्रमादित्य से कहती है कि क्योंकि जब उसकी हथेली नहीं है इसलिए वो अपना भाग्य लिख सकती है। विक्रमादित्य जो अब प्रेरणा से मिलते हैं जल्दी में है एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर इटली जाते हैं जिसके कप्तानी एक व्यक्ति करता है जिससे वो अस्पताल में मिला था। हालांकि जहाज समुद्र में तूफान की चपेट में आ जाता है और हर कोई कप्तान के आदेश पर जहाज को छोड़ देता है। हालांकि विक्रमादित्य अकेले जहाज में फंसा हुआ है। प्रकृति की शक्ति में अभिभूत विक्रमादित्य अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। वो अपने गुरु महापरमहंस के इस दावे को याद करने के लिए हस्तरेखा विज्ञान केवल 99% सटीक है और 1% लोग ऐसे हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्प, वो एक उच्च बिंदु तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करता है और एक भड़कीला बंदूक चलाता है। कप्तान एक जीवन रक्षक नौका के साथ लौटता है। जहाज डूब जाता है लेकिन डूबा हुआ विक्रमादित्य तैरने में सफल हो जाते हैं। बाद में विक्रमादित्य अस्पताल पहुँचता है और बड़ा मत प्रेरणा के साथ फिर से जुड़ जाता है। उनकी शादी हो जाती है जबकि तारा पैरालिंग में जीतती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है राधे श्याम। तो ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर बिना झंझट में देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। राधे श्याम एक 2022 भारतीय पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे राधा कृष्ण कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म की मूवी क्रिएशन और टी सीरीज द्वारा निर्मित और इसे तेलुगु और हिंदी भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है। इसमें प्रभास और पूजा हेगड़े हैं। 1970 के दशक के यूरोप पर आधारित फिल्म विक्रमादित्य की कहानी बनाती है। विक्रमादित्य कहानी बताती है जो एक हस्तरेखाविद है जो नियुति और प्रेरणा के लिए उसके प्यार के बीच संघर्ष करता है। 1978 में इटली में विक्रमादित्य विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखाविद है। हस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया। इस संत परमहंस के शिष्य है विक्रमादित्य जो रिश्तों में विश्वास नहीं करता है। तुरंत डॉक्टर प्रेरणा के लिए गिर जाते हैं। वे एक ट्रेन में मिलते हैं लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य व्यापारी आनंद राजपूत की हथेली पड़ता है। जैसे कि विक्रमादित्य अपने पक्ष में भविष्यवाणी नहीं करता है, राजपाल के लोग उसका पीछा करते हैं जिसका परिणाम स्वरूप उनके दुर्घटना होती है। वो प्रेरणा के अस्पताल में भर्ती है और वहाँ उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य प्रेरणा को उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव देते हैं। हालांकि प्रेरणा शहर छोड़ देते हैं लेकिन विक्रमादित्य पूरे रास्ते उसका पीछा करते हैं। वो मान जाती है और वे एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। हालांकि प्रेरणा के चाचा उसे विक्रमादित्य के प्रति कोई भावना विकसित नहीं करने के लिए कहते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा करते हैं तो एक अजनबी उससे अपनी बेटी द्वारा एक महत्वाकांक्षी
धनुर्धर की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वो भविष्यवाणी करता है कि खेलों में इसका कोई भविष्य नहीं है और इसे उसके मुझे शिक्षा और ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से हतचकित होकर कोच में कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी पूछता है, लेकिन विक्रमादित्य हिचकिचाए प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर किसी का तत्काल मौत होनी तय है। वो उसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है, लेकिन व्यर्थ। उस शाम बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है, जिससे कोई लोग हताहत हो जाती है। हस्तरेखा शास्त्र में विश्वास करने वाली प्रेरणा विक्रमादित्य से उसकी हथेली पढ़ने की कहती है। वो भविष्यवाणी करता है कि उज्ज्वल भविष्य के साथ उसका लंबा जीवन होगा, लेकिन वो खून बहने वाली नाक से तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा जो अस्पताल में भर्ती कराए जाते हैं, जहां उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी है, बताते हैं कि वो एक लाइलाज ट्यूमर से प्रेरित है और महीनों के भीतर उसका मृत्यु हो सकते हैं। विक्रमादित्य असहमत है और क्योंकि उन्होंने अन्यथा भविष्यवाणी की थी, लेकिन उन्हें अस्पताल से बाहर निकाला गया था। प्रेरणा और अपने जीवन को लेकर अशांतित है। दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि विक्रमादित्य एक धोखेबाज है और केवल दवा की इसकी किस्मत बदल सकती है। वो 5 मृत लोगों की हथेली से विक्रमादित्य का परीक्षण करता है और विक्रमादित्य उस सभी को सही ढंग से काटते हैं। उसके चाचा अपना मन बदलते हैं और विक्रमादित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल गया। खुशी से भरी प्रेरणा विक्रमादित्य को प्रपोज करती है, हालांकि उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास प्रेम की रेखा नहीं है और वो जल्द ही देश छोड़ देगा। निराश प्रेरणा दुख के साथ आत्महत्या करने के प्रयास करती है, लेकिन विक्रमादित्य की डायरी में आती है। उसे पता चलता है कि विक्रमादित्य उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार था। जाने से पहले विक्रमादित्य प्रेरणा को उसकी इच्छा के अनुसार एक बलरूम नृत्य में ले जाता है और युगल रात को अंतरंग रूप में बिताते हैं। प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वो अपनी जान देना पसंद करेगी। वो स्वेच्छा से एक कार दुर्घटना का शिकार होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विक्रमादित्य जो अपनी माँ के डांस शो के लिए लंदन में थे, डायरी में प्रेरणा का नोट पढ़ता है। वो अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वो प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है, उससे जल्द मिलने का वादा करता है। जब विक्रमादित्य अपनी भविष्यवाणी को लेकर दुविधा में होता है, तो उसकी मुलाकात ट्रेन में इस लड़की से होती है, जिससे दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया है। वो विक्रमादित्य से कहती है कि क्योंकि जब उसकी हथेली नहीं है, इसलिए वो अपना भाग्य लिख सकती है। विक्रमादित्य जो अब प्रेरणा से मिलते हैं जल्दी में है, एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर इटली जाते हैं, जिसके कप्तानी एक व्यक्ति करता है जिससे वो अस्पताल में मिला था। हालांकि जहाज समुद्र में तूफान की चपेट में आ जाता है और हर कोई कप्तान के आदेश पर जहाज को छोड़ देता है। हालांकि विक्रमादित्य अकेले जहाज में फंसा हुआ है। प्रकृति की शक्ति में अभिभूत विक्रमादित्य अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। वो अपने गुरु महापरमहंस के इस दावे को याद करने के लिए हस्तरेखा विज्ञान केवल 99% सटीक है और 1% लोग ऐसे हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्प, वो एक उच्च बिंदु तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करता है और एक भड़कीला बंदूक चलाता है। कप्तान एक जीवन रक्षक नौका के साथ लौटता है। जहाज डूब जाता है, लेकिन डूबा हुआ विक्रमादित्य तैरने में सफल हो जाते हैं। बाद में विक्रमादित्य अस्पताल पहुंचता है और बड़ा बरामद प्रेरणा के साथ फिर से जुड़ जाते हैं।
होते हैं। उनकी शादी हो जाती है जबकि तारा रंगलिंगकी जीतती है। फिल्म विक्रमादित्य की कहानी बनाती है, विक्रमादित्य कहानी बताती है, जो एक हस्तरेखविद है जो नियुति और प्रेरणा के लिए उसके प्यार के बीच संघर्ष करता है। 1978 में इटली में विक्रमादित्य विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखाविद है। हस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया। इस संत परमहंस के शिष्य है विक्रमादित्य, जो रिश्तों में विश्वास नहीं करता है। तुरंत डॉक्टर प्रेरणा के लिए गिर जाते हैं। वे एक ट्रेन में मिलते हैं लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य व्यापारी आनंद राजपूत की हथेली पड़ता है। जैसे कि विक्रमादित्य अपने पक्ष में भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता है, राजपाल के लोग उसका पीछा करते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप उनके दुर्घटना होती है। वो प्रेरणा के अस्पताल में भर्ती है और वहाँ उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य प्रेरणा को उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव देते हैं। हालांकि प्रेरणा शहर छोड़ देते हैं लेकिन विक्रमादित्य पूरे रास्ते उसका पीछा करते हैं। वो मान जाती है और वे एक दूसरे को डेट करने लगती है। हालांकि प्रेरणा के चाचा उसे विक्रमादित्य के प्रति कोई भावना विकसित नहीं करने के लिए कहते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा करते हैं तो एक अजनबी उससे अपनी बेटी द्वारा एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वो भविष्यवाणी करता है कि खेलों में इसका कोई भविष्य नहीं है और इसे उसके वजह शिक्षा और ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से हचकित होकर कोच में कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी पूछता है, लेकिन विक्रमादित्य हिचकिचाए के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर किसी का तत्काल मौत होनी तय है। वो उसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है लेकिन व्यर्थ। उस शाम बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है जिससे कोई लोग हताहत हो जाती है। हस्तरेखा शास्त्र में विश्वास करने वाली प्रेरणा विक्रमादित्य से उसकी हथेली पढ़ने की कहती है। वो भविष्यवाणी करता है कि उज्जवल भविष्य के साथ उसका लंबा जीवन होगा लेकिन वो खून बहने वाली नाक से तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा जो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी है, बताते हैं कि वो एक लाइलाज ट्यूमर से प्रेरित है और महीनों के भीतर उसका मृत्यु हो सकते हैं। विक्रमादित्य असहमत है और क्योंकि उन्होंने अन्यथा भविष्यवाणी की थी लेकिन उन्हें अस्पताल से बाहर निकाला गया था। प्रेरणा और अपने जीवन को लेकर अशांतित है। दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि विक्रमादित्य एक धोखेबाज है और केवल दवा की इसकी किस्मत बदल सकती है। वो 5 मृत लोगों की हथेली से विक्रमादित्य का परीक्षण करता है और विक्रमादित्य उस सभी को सही ढंग से काटते हैं। उसके चाचा अपना मन बदलते हैं और विक्रमादित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल गया। खुशी से भरी प्रेरणा विक्रमादित्य को प्रपोज करती है। हालांकि उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास प्रेम की रेखा नहीं है और वो जल्द ही देश छोड़ देगा। निराश प्रेरणा दुख के साथ आत्महत्या करने के प्रयास करती है लेकिन विक्रमादित्य की डायरी में आती है। उसे पता चलता है कि विक्रमादित्य उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार था। जाने से पहले विक्रमादित्य प्रेरणा को उसकी इच्छा के अनुसार एक बॉलरूम नृत्य में ले जाता है और जुगल रात को अंतरंग रूप में बिताते हैं। प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वो अपनी जान देना पसंद करेगी। वो स्वेच्छा से एक कार दुर्घटना का शिकार होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विक्रमादित्य जो अपनी माँ के डांस शो के लिए लंदन में थे, डायरी में प्रेरणा का नोट पड़ता है। वो अस्पताल को फोन करना वो
हॉस्पिटल को फ़ोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वो प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है उससे जल्द मिलने का वादा करता है। जब विक्रमादित्य अपनी भविष्यवाणी को लेकर दुविधा में होता है तो उसकी मुलाकात ट्रेन में इस लड़की से होती है जिससे दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया है। वो विक्रमादित्य से कहती है कि क्योंकि जब उसकी हथेली नहीं है इसलिए वो अपना भाग्य लिख सकती है। विक्रमादित्य जो अब प्रेरणा से मिलते हैं जल्दी में है एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर इटली जाते हैं जिसके कप्तानी एक व्यक्ति करता है जिससे वो अस्पताल में मिला था। हालांकि जहाज समुद्र में तूफान की चपेट में आ जाता है और हर कोई कप्तान के आदेश पर जहाज को छोड़ देता है। हालांकि विक्रमादित्य अकेले जहाज में फंसा हुआ है। प्रकृति की शक्ति में अभिभूत विक्रमादित्य अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। वो अपने गुरु महाब्रह्मवंश के इस दावे को याद करने के लिए हस्तरेखा विज्ञान केवल 99% सटीक है और 1% लोग ऐसे हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्प, वो एक उच्च बिंदु तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करता है और एक भड़कीला बंदूक चलाता है। कप्तान एक जीवन रक्षक नौका के साथ लौटता है। जहाज डूब जाता है लेकिन डूबा हुआ विक्रमादित्य तैरने में सफल हो जाते हैं। बाद में विक्रमादित्य अस्पताल पहुंचता है और बड़ा बरामद प्रेरणा के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। उनकी शादी हो जाती है जबकि तारा पैरालंपिक जीतती है। फिल्म विक्रमादित्य की कहानी बनाती है जो एक हस्तरेखाविद है जो नियुति और प्रेरणा के लिए उसके प्यार के बीच संघर्ष करता है। 1978 में इटली में विक्रमादित्य विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखाविद है। हस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया। इस संत परमहंस के शिष्य है विक्रमादित्य जो रिश्तों में विश्वास नहीं करता है। तुरंत डॉक्टर प्रेरणा के लिए गिर जाते हैं। वे एक ट्रेन में मिलते हैं लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य व्यापारी आनंद राजपूत की हथेली पड़ता है। जैसे कि विक्रमादित्य अपने पक्ष में भविष्यवाणी नहीं करता है, राजपाल के लोग उसका पीछा करते हैं जिसका परिणाम स्वरूप उनके दुर्घटना होती है। वो प्रेरणा के अस्पताल में भर्ती है और वहाँ उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य प्रेरणा को उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव देते हैं। हालांकि प्रेरणा शहर छोड़ देते हैं लेकिन विक्रमादित्य पूरे रास्ते उसका पीछा करते हैं। वो मान जाती है और वे एक दूसरे को डेट करने लगती है। हालांकि प्रेरणा के चाचा उसे विक्रमादित्य के प्रति कोई भावना विकसित नहीं करने के लिए कहते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा करते हैं तो एक अजनबी उससे अपनी बेटी द्वारा एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वो भविष्यवाणी करता है कि खेलों में इसका कोई भविष्य नहीं है और इसे उसके वजह शिक्षा और ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से हतचकित होकर कोच में कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी पूछता है लेकिन विक्रमादित्य हिचकिचाए के साथ प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर किसी का तत्काल मौत होनी तय है। वो उसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है लेकिन व्यर्थ। उस शाम बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है जिससे कोई लोग हताहत हो जाती है। हस्तरेखा शास्त्र में विश्वास करने वाली प्रेरणा विक्रमादित्य से उसकी हथेली पढ़ने की कहती है। वो भविष्यवाणी करता है कि उज्ज्वल भविष्य के साथ उसका लंबा जीवन होगा लेकिन वो खून बहने वाली नाक से तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा जो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी है बताते हैं कि वो एक लाइलाज ट्यूमर से प्रेरित है और महीनों के भीतर उसका मृत्यु हो सकते हैं। विक्रमादित्य असहमत है और क्योंकि उन्होंने अन्यथा भविष्यवाणी की थी लेकिन उन्हें अस्पताल से बाहर निकाला गया था। प्रेरणा और अपने जीवन को लेकर अशांतित है। दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि विक्रमादित्य एक धोखेबाज है और केवल
दवा की इसकी किस्मत बदल सकती है। वो 5 मृत लोगों की हथेली से विक्रमादित्य का परीक्षण करता है और विक्रमादित्य उस सभी को सही ढंग से काटते हैं। उसके चाचा अपना मन बदलते हैं और विक्रमादित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल गया। खुशी से भरी प्रेरणा विक्रमादित्य को प्रपोज करती है। हालांकि उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास प्रेम की रेखा नहीं है और वो जल्द ही देश छोड़ देगा। निजास प्रेरणा दुख के साथ आत्महत्या करने के प्रयास करती है, लेकिन विक्रमादित्य की डायरी में आती है। उसे पता चलता है कि विक्रमादित्य उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार था। जाने से पहले विक्रमादित्य प्रेरणा को उसकी इच्छा के अनुसार एक बलरूम नृत्य में ले जाता है और युगल रात को अंतरंग रूप में बिताते हैं। प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वो अपनी जान देना पसंद करेगी। वो स्वेच्छा से एक कार दुर्घटना का शिकार होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विक्रमादित्य जो अपनी माँ के डांस शो के लिए लंदन में थे, डायरी में प्रेरणा का नोट पढ़ता है। वो अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वो प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है, उससे जल्द मिलने का वादा करता है। जब विक्रमादित्य अपनी भविष्यवाणी को लेकर दुविधा में होता है, तो उसकी मुलाकात ट्रेन में इस लड़की से होती है जिससे दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया है। वो विक्रमादित्य से कहती है कि क्योंकि जब उसकी हथेली नहीं है, इसलिए वो अपना भाग्य लिख सकती है। विक्रमादित्य जो अब प्रेरणा से मिलते हैं, जल्दी में है एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर इटली जाते हैं, जिसके कप्तानी एक व्यक्ति करता है जिससे वो अस्पताल में मिला था। हालांकि जहाज समुद्र में तूफान की चपेट में आ जाता है और हर कोई कप्तान के आदेश पर जहाज को छोड़ देता है। हालांकि विक्रमादित्य अकेले जहाज में फंसा हुआ है। प्रकृति की शक्ति में अभिभूत विक्रमादित्य अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। वो अपने गुरु महाब्रह्मवंस के इस दावे को याद करने के लिए हस्तरेखा विज्ञान केवल 99% सटीक है और 1% लोग ऐसे हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्प, वो एक उच्च बिंदु तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करता है और एक भड़कीला बंदूक चलाता है। कप्तान एक जीवन रक्षक नौका के साथ लौटता है। जहाज डूब जाता है, लेकिन डूबा हुआ विक्रमादित्य तैरने में सफल हो जाते हैं। बाद में विक्रमादित्य अस्पताल पहुंचता है और बड़ा मत प्रेरणा के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। उनकी शादी हो जाती है जबकि तारा रैलिंग जीतती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, उसका नाम है राधे श्याम। तो ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर बिना झंझट में देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। राधे श्याम एक 2022 भारतीय पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे राधा कृष्ण कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म यूबी क्रिएशंस और टी सीरीज द्वारा निर्मित है और इसे तेलुगु और हिंदी भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है। इसमें प्रभास और पूजा हेगड़े हैं। 1970 के दशक के यूरोप पर आधारित फिल्म विक्रमादित्य की कहानी बनाती है। विक्रमादित्य कहानी बताती है जो एक हस्तरेखाविद है जो नियुति और प्रेरणा के लिए उसके प्यार के बीच संघर्ष करता है। 1978 में इटली में विक्रमादित्य विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखाविद है। हस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया। इस संत परमहंस के शिष्य है विक्रमादित्य जो रिश्तों में विश्वास नहीं करता है, तुरंत डॉक्टर प्रेरणा के लिए गिर जाते हैं। वे एक ट्रेन में मिलते हैं, लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य व्यापारी आनंद राजपूत की हथेली पड़ता है। जैसे कि विक्रमादित्य अपने पक्ष में भविष्यवाणी नहीं करता है, राजपाल के लोग उसका पीछा करते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप उनके दुर्घटना होती है। वो प्रेरणा के अस्पताल में भर्ती है और वहाँ उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के
बाद विक्रमादित्य प्रेरणा को उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव देते हैं। हालांकि प्रेरणा शहर छोड़ देते हैं, लेकिन विक्रमादित्य पूरे रास्ते उसका पीछा करते हैं। वो मान जाती है और वे एक दूसरे को डेट करने लगती है। हालांकि प्रेरणा के चाचा उसे विक्रमादित्य के प्रति कोई भावना विकसित नहीं करने के लिए कहते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा करते हैं तो एक अजनबी उससे अपनी बेटी द्वारा एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वो भविष्यवाणी करता है कि खेलों में इसका कोई भविष्य नहीं है और इसे उसके वजह शिक्षा और ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से हतचकित होकर कोच में कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी पूछता है, लेकिन विक्रमादित्य हिचकिचाहट के साथ प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर किसी का तत्काल मौत होनी तय है। वो उसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है, लेकिन व्यर्थ। उस शाम बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है, जिससे कोई लोग हताहत हो जाती है। हस्तरेखा शास्त्र में विश्वास करने वाली प्रेरणा विक्रमादित्य से उसकी हथेली पढ़ने की कहती है। वो भविष्यवाणी करता है कि उज्जवल भविष्य के साथ उसका लंबा जीवन होगा, लेकिन वो खून बहने वाली नाक से तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा जो अस्पताल में भर्ती कराया जाते हैं, जहां उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी है, बताते हैं कि वो एक लाइलाज ट्यूमर से प्रेरित है और महीनों के भीतर उसका मृत्यु हो सकते हैं। विक्रमादित्य असहमत है और क्योंकि उन्होंने अन्यथा भविष्यवाणी की थी, लेकिन उन्हें अस्पताल से बाहर निकाला गया था। प्रेरणा और अपने जीवन को लेकर अशांतित है। दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि विक्रमादित्य एक धोखेबाज है और केवल दवा की इसकी किस्मत बदल सकती है। वो 5 मृत लोगों की हथेली से विक्रमादित्य का परीक्षण करता है और विक्रमादित्य उस सभी को सही ढंग से काटते हैं। उसके चाचा अपना मन बदलते हैं और विक्रमादित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल गया। खुशी से भरी प्रेरणा विक्रमादित्य को प्रपोज करती है। हालांकि उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास प्रेम की रेखा नहीं है और वो जल्द ही देश छोड़ देगा। निराश प्रेरणा दुख के साथ आत्महत्या करने के प्रयास करती है, लेकिन विक्रमादित्य की डायरी में आती है। उसे पता चलता है कि विक्रमादित्य उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार था। जाने से पहले विक्रमादित्य प्रेरणा को उसकी इच्छा के अनुसार एक बलरूम नृत्य में ले जाता है और जुगल रात को अंतरंग रूप में बिताते हैं। प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वो अपनी जान देना पसंद करेगी। वो स्वेच्छा से एक कार दुर्घटना का शिकार होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विक्रमादित्य जो अपनी माँ के डांस शो के लिए लंदन में थे, डायरी में प्रेरणा का नोट पढ़ता है। वो अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वो प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है, उससे जल्द मिलने का वादा करता है। जब विक्रमादित्य अपनी भविष्यवाणी को लेकर दुविधा में होता है, तो उसकी मुलाकात ट्रेन में इस लड़की से होती है, जिससे दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया है। वो विक्रमादित्य से कहती है कि क्योंकि जब उसकी हथेली नहीं है, इसलिए वो अपना भाग्य लिख सकती है। विक्रमादित्य जो अब प्रेरणा से मिलते हैं, जल्दी में है एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर इटली जाते हैं, जिसके कप्तानी एक व्यक्ति करता है जिससे वो अस्पताल में मिला था। हालांकि जहाज समुद्र में तूफान की चपेट में आ जाता है और हर कोई कप्तान के आदेश पर जहाज को छोड़ देता है। हालांकि विक्रमादित्य अकेले जहाज में फंसा हुआ है। प्रकृति की शक्ति में अभिभूत विक्रमादित्य अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। वो अपने गुरु महापरमहंस के इस दावे को याद करने के लिए हस्तरेखा विज्ञान केवल 99% सटीक है और 1% लोग ऐसे हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्प, वो एक उच्च बिंदु तक
पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करता है और एक भड़कीला बंदूक चलाता है। कप्तान एक जीवन रक्षक नौका के साथ लौटता है। जहाज डूब जाता है लेकिन डूबा हुआ विक्रमादित्य तैरने में सफल हो जाते हैं। बाद में विक्रमादित्य अस्पताल पहुंचता है और बड़ा बरामद प्रेरणा के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। उनकी शादी हो जाती है जबकि तारा प्रलिंकिन जीतती है। फिल्म विक्रमादित्य की कहानी बनाती है जो एक हस्तलिखविद है जो नियुति और प्रेरणा के लिए उसके प्यार के बीच संघर्ष करता है। 1978 में इटली में विक्रमादित्य विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखाविद है। हस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया। इस संत परमहंस के शिष्य है विक्रमादित्य जो रिश्तों में विश्वास नहीं करता है। तुरंत डॉक्टर प्रेरणा के लिए गिर जाते हैं। वे एक ट्रेन में मिलते हैं लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य व्यापारी आनंद राजपूत की हथेली पड़ता है। जैसे कि विक्रमादित्य अपने पक्ष में भविष्यवाणी नहीं करता है, राजपाल के लोग उसका पीछा करते हैं जिसका परिणाम स्वरूप उनके दुर्घटना होती है। वो प्रेरणा के अस्पताल में भर्ती है और वहाँ उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य प्रेरणा को उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव देते हैं। हालांकि प्रेरणा शहर छोड़ देते हैं लेकिन विक्रमादित्य पूरे रास्ते उसका पीछा करते हैं। वो मान जाती है और वे एक दूसरे को डेट करने लगती है। हालांकि प्रेरणा के चाचा उसे विक्रमादित्य के प्रति कोई भावना विकसित नहीं करने के लिए कहते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा करते हैं तो एक अजनबी उससे अपनी बेटी द्वारा एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वो भविष्यवाणी करता है कि खेलों में इसका कोई भविष्य नहीं है और इसे उसके वजह शिक्षा और ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से कोच में कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी पूछता है लेकिन विक्रमादित्य हिचकिचा के साथ प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर किसी का तत्काल मौत होनी तय है। वो उसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है लेकिन व्यर्थ। उस शाम बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है जिससे कोई लोग हताहत हो जाती है। हस्तरेखा शास्त्र में विश्वास करने वाली प्रेरणा विक्रमादित्य से उसकी हथेली पढ़ने की कहती है। वो भविष्यवाणी करता है कि उज्जवल भविष्य के साथ उसका लंबा जीवन होगा लेकिन वो खून बहने वाली नाक से तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा जो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी है बताते हैं कि वो एक लाइलाज ट्यूमर से प्रेरित है और महीनों के भीतर उसका मृत्यु हो सकते हैं। विक्रमादित्य असहमत है और क्योंकि उन्होंने अन्यथा भविष्यवाणी की थी लेकिन उन्हें अस्पताल से बाहर निकाला गया था। प्रेरणा और अपने जीवन को लेकर अशांतित है। दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि विक्रमादित्य एक धोखेबाज है और केवल दवा की इसकी किस्मत बदल सकती है। वो 5 मृत लोगों की हथेली से विक्रमादित्य का परीक्षण करता है और विक्रमादित्य उस सभी को सही ढंग से काटते हैं। उसके चाचा अपना मन बदलते हैं और विक्रमादित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल गया। खुशी से भरी प्रेरणा विक्रमादित्य को प्रपोज करती है। हालांकि उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास प्रेम की रेखा नहीं है और वो जल्द ही देश छोड़ देगा। निराश प्रेरणा दुख के साथ आत्महत्या करने के प्रयास करती है लेकिन विक्रमादित्य की डायरी में आती है। उसे पता चलता है कि विक्रमादित्य उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार था। जाने से पहले विक्रमादित्य प्रेरणा को उसकी इच्छा के अनुसार एक बलरूम नृत्य में ले जाना
ले जाता है और युगल रात को अंतरंग रूप में बिताते हैं। प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वो अपनी जान देना पसंद करेगी। वो स्वेच्छा से एक कार दुर्घटना का शिकार होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विक्रमादित्य जो अपनी माँ के डांस शो के लिए लंदन में थे, डायरी में प्रेरणा का नोट पढ़ता है। वो अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वो प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है, उससे जल्द मिलने का वादा करता है। जब विक्रमादित्य अपनी भविष्यवाणी को लेकर दुविधा में होता है तो उसकी मुलाकात ट्रेन में इस लड़की से होती है जिससे दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया है। वो विक्रमादित्य से कहती है कि क्योंकि जब उसकी हथेली नहीं है इसलिए वो अपना भाग्य लिख सकती है। विक्रमादित्य जो अब प्रेरणा से मिलते हैं जल्दी में है एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर इटली जाते हैं जिसकी कप्तानी एक व्यक्ति करता है जिससे वो अस्पताल में मिला था। हालांकि जहाज समुद्र में तूफान की चपेट में आ जाता है और हर कोई कप्तान के आदेश पर जहाज वो छोड़ देता है। हालांकि विक्रमादित्य अकेले जहाज में फंसा हुआ है। प्रकृति की शक्ति में अभिभूत विक्रमादित्य अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। वो अपने गुरु महाब्रह्मवंश के इस दावे को याद करने के लिए हस्तरेखा विज्ञान केवल 99% सटीक है और 1% लोग ऐसे हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्प, वो एक उच्च बिंदु तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करता है और एक भड़कीला बंदूक चलाता है। कप्तान एक जीवन रक्षक नौका के साथ लौटता है। जहाज डूब जाता है लेकिन डूबा हुआ विक्रमादित्य तैरने में सफल हो जाते हैं। बाद में विक्रमादित्य अस्पताल पहुंचता है और बड़ा बरामद प्रेरणा के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। उनकी शादी हो जाती है जबकि तारा पैरालंपिक जीतती है। फिल्म विक्रमादित्य की कहानी बनाती है, विक्रमादित्य कहानी बताती है जो एक हस्तरेखाविद है जो नियुति और प्रेरणा के लिए उसके प्यार के बीच संघर्ष करता है। 1978 में इटली में विक्रमादित्य विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखाविद है। हस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया। इस संत परमहंस के शिष्य है विक्रमादित्य जो रिश्तों में विश्वास नहीं करता है। तुरंत डॉक्टर प्रेरणा के लिए गिर जाते हैं। वे एक ट्रेन में मिलते हैं लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य व्यापारी अनंत राजपूत की हथेली पड़ता है। जैसे कि विक्रमादित्य अपने पक्ष में भविष्यवाणी नहीं करता है, राजपाल के लोग उसका पीछा करते हैं जिसका परिणाम स्वरूप उनके दुर्घटना होती है। वो प्रेरणा के अस्पताल में भर्ती है और वहाँ उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य प्रेरणा को उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव देते हैं। हालांकि प्रेरणा शहर छोड़ देते हैं लेकिन विक्रमादित्य पूरे रास्ते उसका पीछा करते हैं। वो मान जाती है और वे एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। हालांकि प्रेरणा के चाचा उसे विक्रमादित्य के प्रति कोई भावना विकसित नहीं करने के लिए कहते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा करते हैं तो एक अजनबी उससे अपनी बेटी द्वारा एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वो भविष्यवाणी करता है कि खेलों में इसका कोई भविष्य नहीं है और इसे उसके वजह शिक्षा और ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से हचकित होकर कोच में कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी पूछता है लेकिन विक्रमादित्य हिचकिचाए के साथ प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर किसी का तत्काल मौत होनी तय है। वो उसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है लेकिन व्यर्थ। उस शाम बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है जिससे कोई लोग हताहत हो जाती है। हस्तरेखा शास्त्र में विश्वास करने वाली प्रेरणा विक्रमादित्य से उसकी हथेली पढ़ने की कहती है। वो भविष्यवाणी करता है कि उज्जवल भविष्य के साथ उसका लंबा जीवन होगा लेकिन वो खून बहने वाली नाक से तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा जो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी है बताते हैं कि वो एक लाइलाज
लाइलाज ट्यूमर से प्रेरित है और महीनों के भीतर उसका मृत्यु हो सकते हैं। विक्रमादित्य असहमत है और क्योंकि उन्होंने अन्यथा भविष्यवाणी की थी, लेकिन उन्हें अस्पताल से बाहर निकाला गया था। प्रेरणा और अपने जीवन को लेकर अशांतित है। दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि विक्रमादित्य एक धोखेबाज है और केवल दवा की इसकी किस्मत बदल सकती है। वो 5 मृत लोगों की हथेली से विक्रमादित्य का परीक्षण करता है और विक्रमादित्य उस सभी को सही ढंग से काटते हैं। उसके चाचा अपना मन बदलते हैं और विक्रमादित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल गया। खुशी से भरी प्रेरणा विक्रमादित्य को प्रपोज करती है। हालांकि उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास प्रेम की रेखा नहीं है और वो जल्द ही देश छोड़ देगा। निराश प्रेरणा दुख के साथ आत्महत्या करने के प्रयास करती है, लेकिन विक्रमादित्य की डायरी में आती है उसे पता चलता है कि विक्रमादित्य उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार था। जाने से पहले विक्रमादित्य प्रेरणा को उसकी इच्छा के अनुसार एक बलरूम नृत्य में ले जाता है और युगल रात को अंतरंग रूप में बिताते हैं। प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वो अपनी जान देना पसंद करेगी। वो स्वेच्छा से एक कार दुर्घटना का शिकार होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विक्रमादित्य जो अपनी माँ के डांस शो के लिए लंदन में थे, डायरी में प्रेरणा का नोट पढ़ता है। वो अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वो प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है, उससे जल्द मिलने का वादा करता है। जब विक्रमादित्य अपनी भविष्यवाणी को लेकर दुविधा में होता है तो उसकी मुलाकात ट्रेन में इस लड़की से होती है जिससे दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया है। वो विक्रमादित्य से कहती है कि क्योंकि जब उसकी हथेली नहीं है इसलिए वो अपना भाग्य लिख सकती है। विक्रमादित्य जो अब प्रेरणा से मिलते हैं जल्दी में है एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर इटली जाते हैं, जिसके कप्तानी एक व्यक्ति करता है जिससे वो अस्पताल में मिला था। हालांकि जहाज समुद्र में तूफान की चपेट में आ जाता है और हर कोई कप्तान के आदेश पर जहाज को छोड़ देता है। हालांकि विक्रमादित्य अकेले जहाज में फंसा हुआ है। प्रकृति की शक्ति में अभिभूत विक्रमादित्य अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। वो अपने गुरु महाब्रह्मवंश के इस दावे को याद करते के लिए हस्तरेखा विज्ञान केवल 99% सटीक है और 1% लोग ऐसे हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्प, वो एक उच्च बिंदु तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करता है और एक भड़कीला बंदूक चलाता है। कप्तान एक जीवन रक्षक नौका के साथ लौटता है। जहाज डूब जाता है, लेकिन डूबा हुआ विक्रमादित्य तैरने में सफल हो जाते हैं। बाद में विक्रमादित्य अस्पताल पहुंचता है और बड़ा बरामद प्रेरणा के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। उनकी शादी हो जाती है जबकि तारा रेलिंग जीतती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है राधे श्याम। तो ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर बिना झंझट में देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। राधे श्याम एक 2022 भारतीय पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे राधा कृष्ण कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म की मूवी क्रिएशंस और टी सीरीज द्वारा निर्मित है और इसे तेलुगु और हिंदी भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है। इसमें प्रभास और पूजा हेगड़े हैं। 1970 के दशक के यूरोप पर आधारित फिल्म विक्रमादित्य की कहानी बनाती है। विक्रमादित्य कहानी बताती है जो एक हस्तरेखाविद है जो नियुति और प्रेरणा के लिए उसके प्यार के बीच संघर्ष करता है। 1978 में इटली में विक्रमादित्य विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखाविद है। हस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया। इस संत परमहंस के शिष्य है विक्रमादित्य जो रिश्तों में विश्वास नहीं करता है
तुरंत डॉक्टर प्रेरणा के लिए गिर जाते हैं। वे एक ट्रेन में मिलते हैं लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य व्यापारी आनंद राजपूत की हथेली पड़ता है। जैसे कि विक्रमादित्य अपने पक्ष में भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता है, राजपाल के लोग उसका पीछा करते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप उनके दुर्घटना होती है। वो प्रेरणा के अस्पताल में भर्ती है और वहाँ उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य प्रेरणा को उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव देते हैं। हालांकि प्रेरणा शहर छोड़ देते हैं, लेकिन विक्रमादित्य पूरे रास्ते उसका पीछा करते हैं। वो मान जाती है और वे एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। हालांकि प्रेरणा के चाचा उसे विक्रमादित्य के प्रति कोई भावना विकसित नहीं करने के लिए कहते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा करते हैं तो एक अजनबी उससे अपनी बेटी द्वारा एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वो भविष्यवाणी करता है कि खेलों में इसका कोई भविष्य नहीं है और इसे उसके वजह शिक्षा और ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से हचकित होकर कोच में कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी पूछता है, लेकिन विक्रमादित्य हिचकिचाए के साथ प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर किसी का तत्काल मौत होनी तय है। वो उसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है, लेकिन व्यर्थ। उस शाम बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है, जिससे कोई लोग हताहत हो जाती है। हस्तरेखा शास्त्र में विश्वास करने वाली प्रेरणा विक्रमादित्य से उसकी हथेली पढ़ने की कहती है। वो भविष्यवाणी करता है कि उज्जवल भविष्य के साथ उसका लंबा जीवन होगा, लेकिन वो खून बहने वाली नाक से तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा जो अस्पताल में भर्ती कराया जाते हैं, जहां उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी है, बताते हैं कि वो एक लाइलाज ट्यूमर से प्रेरित है और महीनों के भीतर उसका मृत्यु हो सकते हैं। विक्रमादित्य असहमत है और क्योंकि उन्होंने अन्यथा भविष्यवाणी की थी, लेकिन उन्हें अस्पताल से बाहर निकाला गया था। प्रेरणा और अपने जीवन को लेकर अशांतित है। दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि विक्रमादित्य एक धोखेबाज है और केवल दवा की इसकी किस्मत बदल सकती है। वो 5 मृत लोगों की हथेली से विक्रमादित्य का परीक्षण करता है और विक्रमादित्य उस सभी को सही ढंग से काटते हैं। उसके चाचा अपना मन बदलते हैं और विक्रमादित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल गया। खुशी से भरी प्रेरणा विक्रमादित्य को अप्रोच करती है। हालांकि उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास प्रेम की रेखा नहीं है और वो जल्दी देश छोड़ देगा। निराश प्रेरणा दुख के साथ आत्महत्या करने के प्रयास करती है, लेकिन विक्रमादित्य की डायरी में आती है। उसे पता चलता है कि विक्रमादित्य उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार था। जाने से पहले विक्रमादित्य प्रेरणा को उसकी इच्छा के अनुसार एक बलरूम नृत्य में ले जाता है और जुगल रात को अंतरंग रूप में बिताते हैं। प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वो अपनी जान देना पसंद करेगी। वो स्वेच्छा से एक कार दुर्घटना का शिकार होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विक्रमादित्य जो अपनी माँ के डांस शो के लिए लंदन में थे, डायरी में प्रेरणा का नोट पड़ता है। वो अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वो प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है, उससे जल्द मिलने का वादा करता है। जब विक्रमादित्य अपनी भविष्यवाणी को लेकर दुविधा में होता है, तो उसकी मुलाकात ट्रेन में इस लड़के से होती है, जिससे दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया है। वो विक्रमादित्य से कहती है कि क्योंकि जब उसकी हथेली नहीं है, इसलिए वो अपना भाग्य लिख सकती है। विक्रमादित्य
जो अब प्रेरणा से मिलते हैं जल्दी जल्दी में है एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर इटली जाते हैं, जिसकी कप्तानी एक व्यक्ति करता है जिससे वो अस्पताल में मिला था। हालांकि जहाज समुद्र में तूफान की चपेट में आ जाता है और हर कोई कप्तान के आदेश पर जहाज को छोड़ देता है। हालांकि विक्रमादित्य तो अकेले जहाज में फंसा हुआ है। प्रकृति की शक्ति में अभिभूत विक्रमादित्य तो अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। वो अपने गुरु महाब्रह्मवंश के इस दावे को याद करने के लिए हस्तरेखा विज्ञान केवल 99% सटीक है और 1% लोग ऐसे हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्प, वो एक उच्च बिंदु तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करता है और एक भड़कीला बंदूक चलाता है। कप्तान एक जीवन रक्षक नौका के साथ लौटता है। जहाज डूब जाता है लेकिन डूबा हुआ विक्रमादित्य तैरने में सफल हो जाते हैं। बाद में विक्रमादित्य अस्पताल पहुंचता है और बड़ा बरामद प्रेरणा के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। उनकी शादी हो जाती है जबकि तारा रेलिंग जीतती है। फिल्म विक्रमादित्य की कहानी बनाती है जो एक हस्तरेखाविद है जो नियुति और प्रेरणा के लिए उसके प्यार के बीच संघर्ष करता है। 1978 में इटली में विक्रमादित्य विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखाविद है। हस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया। इस संत परमहंस के शिष्य है विक्रमादित्य जो रिश्तों में विश्वास नहीं करता है। तुरंत डॉक्टर प्रेरणा के लिए गिर जाते हैं। वे एक ट्रेन में मिलते हैं लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य व्यापारी आनंद राजपूत की हथेली पड़ता है। जैसे कि विक्रमादित्य अपने पक्ष में भविष्यवाणी नहीं करता है, राजपाल के लोग उसका पीछा करते हैं जिसका परिणाम स्वरूप उनके दुर्घटना होती है। वो प्रेरणा के अस्पताल में भर्ती है और वहाँ उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य प्रेरणा को उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव देते हैं। हालांकि प्रेरणा शहर छोड़ देते हैं लेकिन विक्रमादित्य पूरे रास्ते उसका पीछा करते हैं। वो मान जाती है और वे एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। हालांकि प्रेरणा के चाचा उसे विक्रमादित्य के प्रति कोई भावना विकसित नहीं करने के लिए कहते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा करते हैं तो एक अजनबी उससे अपनी बेटी द्वारा एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वो भविष्यवाणी करता है कि खेलों में इसका कोई भविष्य नहीं है और इसे उसके वजह शिक्षा और ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से हचकित होकर कोच में कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी पूछता है लेकिन विक्रमादित्य हिचकिचाए के साथ प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर किसी का तत्काल मौत होनी तय है। वो उसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है लेकिन व्यर्थ। उस शाम बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है जिससे कोई लोग हताहत हो जाती है। हस्तरेखा शास्त्र में विश्वास करने वाली प्रेरणा विक्रमादित्य से उसकी हथेली पढ़ने की कहती है। वो भविष्यवाणी करता है कि उज्जवल भविष्य के साथ उसका लंबा जीवन होगा लेकिन वो खून बहने वाली नाक से तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा जो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी है बताते हैं कि वो एक लाइलाज ट्यूमर से प्रेरित है और महीनों के भीतर उसका मृत्यु हो सकते हैं। विक्रमादित्य असहमत है और क्योंकि उन्होंने अन्यथा भविष्यवाणी की थी लेकिन उन्हें अस्पताल से बाहर निकाला गया था। प्रेरणा और अपने जीवन को लेकर अशांतित है। दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि विक्रमादित्य एक धोखेबाज है और केवल दवा की इसकी किस्मत बदल सकती है। वो 5 मृत लोगों की हथेली से विक्रमादित्य का परीक्षण करता है और विक्रमादित्य उस सभी को सही ढंग से काटते हैं। उसके चाचा अपना मन बदलते हैं और विक्रमादित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल गया। खुशी से भरी प्रेरणा विक्रमादित्य को प्रपोज करती है। हालांकि उसे
ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास प्रेम की रेखा नहीं है और वो जल्द ही देश छोड़ देगा। निजास प्रेरणा दुख के साथ आत्महत्या करने के प्रयास करती है, लेकिन विक्रमादित्य की डायरी में आती है। उसे पता चलता है कि विक्रमादित्य उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार था। जाने से पहले विक्रमादित्य प्रेरणा को उसकी इच्छा के अनुसार एक बलरूम नृत्य में ले जाता है और जुगल रात को अंतरंग रूप में बिताते हैं। प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वो अपनी जान देना पसंद करेगी। वो स्वेच्छा से एक कार दुर्घटना का शिकार होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विक्रमादित्य जो अपनी मां के डांस शो के लिए लंदन में थे, डायरी में प्रेरणा का नोट पढ़ता है। वो अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वो प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है, उससे जल्द मिलने का वादा करता है। जब विक्रमादित्य अपनी भविष्यवाणी को लेकर दुविधा में होता है तो उसकी मुलाकात ट्रेन में इस लड़की से होती है जिससे दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया है। वो विक्रमादित्य से कहती है कि क्योंकि जब उसकी हथेली नहीं है इसलिए वो अपना भाग्य लिख सकती है। विक्रमादित्य जो अब प्रेरणा से मिलते हैं जल्दी में है एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर इटली जाते हैं जिसकी कप्तानी एक व्यक्ति करता है जिससे वो अस्पताल में मिला था। हालांकि जहाज समुद्र में तूफान की चपेट में आ जाता है और हर कोई कप्तान के आदेश पर जहाज को छोड़ देता है। हालांकि विक्रमादित्य अकेले जहाज में फंसा हुआ है। प्रकृति की शक्ति में अभिभूत विक्रमादित्य अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। वो अपने गुरु महापरमहंस के इस दावे को याद करने के लिए हस्तरेखा विज्ञान केवल 99% सटीक है और 1% लोग ऐसे हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्प, वो एक उच्च बिंदु तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करता है और एक भड़कीला बंदूक चलाता है। कप्तान एक जीवन रक्षक नौका के साथ लौटता है। जहाज डूब जाता है लेकिन डूबा हुआ विक्रमादित्य तैरने में सफल हो जाते हैं। बाद में विक्रमादित्य अस्पताल पहुंचता है और बड़ा प्रेरणा के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। उनकी शादी हो जाती है जबकि तारा पैरालिंपिक जीतती है। फिल्म विक्रमादित्य की कहानी बनाती है, विक्रमादित्य कहानी बताती है जो एक हस्तरेखविद है जो नियुति और प्रेरणा के लिए उसके प्यार के बीच संघर्ष करता है। 1978 में इटली में विक्रमादित्य विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखाविद है। हस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया। इस संत परमहंस के शिष्य है विक्रमादित्य जो रिश्तों में विश्वास नहीं करता है। तुरंत डॉक्टर प्रेरणा के लिए गिर जाते हैं। वे एक ट्रेन में मिलते हैं लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य व्यापारी आनंद राजपूत की हथेली पढ़ता है। जैसे कि विक्रमादित्य अपने पक्ष में भविष्यवाणी नहीं करता है, राजपाल के लोग उसका पीछा करते हैं जिसका परिणाम स्वरूप उनके दुर्घटना होती है। वो प्रेरणा के अस्पताल में भर्ती है और वहाँ उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य प्रेरणा को उसका साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव देते हैं। हालांकि प्रेरणा शहर छोड़ देते हैं लेकिन विक्रमादित्य पूरे रास्ते उसका पीछा करते हैं। वो मान जाती है और वे एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। हालांकि प्रेरणा के चाचा उसे विक्रमादित्य के प्रति कोई भावना विकसित नहीं करने के लिए कहते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा करते हैं तो एक अजनबी उससे अपनी बेटी द्वारा एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वो भविष्यवाणी करता है कि खेलों में इसका कोई भविष्य नहीं है और इसे उसके वजह शिक्षा और ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से हचकित होकर कोच में कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी पूछता है, लेकिन विक्रमादित्य हिचकिचाए के साथ प्रेरणा के साथ नीचे उतर
जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर किसी का तत्काल मौत होनी तय है। वो उसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है लेकिन व्यर्थ। उस शाम बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है जिससे कोई लोग हताहत हो जाती है। हस्तरेखा शास्त्र में विश्वास करने वाली प्रेरणा विक्रमादित्य से उसकी हथेली पढ़ने की कहती है। वो भविष्यवाणी करता है कि उज्जवल भविष्य के साथ उसका लंबा जीवन होगा लेकिन वो खून बहने वाली नाक से तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा जो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी है बताते हैं कि वो एक लाइलाज ट्यूमर से प्रेरित है और महीनों के भीतर उसका मृत्यु हो सकते हैं। विक्रमादित्य असहमत है और क्योंकि उन्होंने अन्यथा भविष्यवाणी की थी लेकिन उन्हें अस्पताल से बाहर निकाला गया था। प्रेरणा और अपने जीवन को लेकर अशांतित है। दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि विक्रमादित्य एक धोखेबाज है और केवल दवा की इसकी किस्मत बदल सकती है। वो 5 मृत लोगों की हथेली से विक्रमादित्य का परीक्षण करता है और विक्रमादित्य उस सभी को सही ढंग से काटते हैं। उसके चाचा अपना मन बदलते हैं और विक्रमादित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल गया। खुशी से भरी प्रेरणा विक्रमादित्य को प्रपोज करती है। हालांकि उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास प्रेम की रेखा नहीं है और वो जल्द ही देश छोड़ देगा। निराश प्रेरणा दुख के साथ आत्महत्या करने के प्रयास करती है लेकिन विक्रमादित्य की डायरी में आती है। उसे पता चलता है कि विक्रमादित्य उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार था। जाने से पहले विक्रमादित्य प्रेरणा को उसकी इच्छा के अनुसार एक बलरूम नृत्य में ले जाता है और जुगल रात को अंतरंग रूप में बिताते हैं। प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वो अपनी जान देना पसंद करेगी। वो स्वेच्छा से एक कार दुर्घटना का शिकार होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विक्रमादित्य जो अपनी माँ के डांस शो के लिए लंदन में थे, डायरी में प्रेरणा का नोट पढ़ता है। वो अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वो प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है उससे जल्द मिलने का वादा करता है। जब विक्रमादित्य अपनी भविष्यवाणी को लेकर दुविधा में होता है तो उसकी मुलाकात ट्रेन में इस लड़के से होती है जिससे दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया है। वो विक्रमादित्य से कहती है कि क्योंकि जब उसकी हथेली नहीं है इसलिए वो अपना भाग्य लिख सकती है। विक्रमादित्य जो अब प्रेरणा से मिलते हैं जल्दी में है एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर इटली जाते हैं जिसके कप्तानी एक व्यक्ति करता है जिससे वो अस्पताल में मिला था। हालांकि जहाज समुद्र में तूफान की चपेट में आ जाता है और हर कोई कप्तान के आदेश पर जहाज को छोड़ देता है। हालांकि विक्रमादित्य अकेले जहाज में फंसा हुआ है। प्रकृति की शक्ति में अभिभूत विक्रमादित्य अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। वो अपने गुरु महापरमहंस के इस दावे को याद करने के लिए हस्तरेखा विज्ञान केवल 99% सटीक है और 1% लोग ऐसे हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्प, वो एक उच्च बिंदु तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करता है और एक भड़कीला बंदूक चलाता है। कप्तान एक जीवन रक्षक नौका के साथ लौटता है। जहाज डूब जाता है लेकिन डूबा हुआ विक्रमादित्य तैरने में सफल हो जाते हैं। बाद में विक्रमादित्य अस्पताल पहुंचता है और बड़ा बरामद प्रेरणा के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। उनकी शादी हो जाती है जबकि तारा पैरालिंपिक जीतती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको देने वाले हैं उसका नाम है राधे श्याम। तो ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर बिना झंझट में देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। राधे श्याम एक 2022 भारतीय पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे राधा कृष्ण कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म यूबी क्रिएशन और टी सीरीज द्वारा निर्मित है और इसे तेलुगु और हिंदी भाषाओं में एक साथ
शूट किया गया है। इसमें प्रभास और पूजा हेगड़े हैं। 1970 के दशक के पूरा यूरोप पर 1970 के दशक के यूरोप पर आधारित फिल्म विक्रमादित्य की कहानी बनाती है, विक्रमादित्य कहानी बताती है, जो एक हस्तरेखविद है जो नियुति और प्रेरणा के लिए उसके प्यार के बीच संघर्ष करता है। 1978 में इटली में विक्रमादित्य विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखाविद है। हस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया। इस संत परमहंस के शिष्य है विक्रमादित्य, जो रिश्तों में विश्वास नहीं करता है। तुरंत डॉक्टर प्रेरणा के लिए गिर जाते हैं। वे एक ट्रेन में मिलते हैं लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य व्यापारी आनंद राजपूत की हथेली पड़ता है। जैसे कि विक्रमादित्य अपने पक्ष में भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता है, राजपाल के लोग उसका पीछा करते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप उनके दुर्घटना होती है। वो प्रेरणा के अस्पताल में भर्ती है और वहाँ उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य प्रेरणा को उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव देते हैं। हालांकि प्रेरणा शहर छोड़ देते हैं, लेकिन विक्रमादित्य पूरे रास्ते उसका पीछा करते हैं। वो मान जाती है और वे एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। हालांकि प्रेरणा के चाचा उसे विक्रमादित्य के प्रति कोई भावना विकसित नहीं करने के लिए कहते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा करते हैं तो एक अजनबी उससे अपनी बेटी द्वारा एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वो भविष्यवाणी करता है कि खेलों में इसका कोई भविष्य नहीं है और इसे उसके वजह शिक्षा और ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से हचकित होकर कोच में कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी पूछता है, लेकिन विक्रमादित्य हिचकिचाए के साथ प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर किसी का तत्काल मौत होनी तय है। वो उसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है, लेकिन व्यर्थ। उस शाम बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है, जिससे कोई लोग हताहत हो जाती है। हस्तरेखा शास्त्र में विश्वास करने वाली प्रेरणा विक्रमादित्य से उसकी हथेली पढ़ने की कहती है। वो भविष्यवाणी करता है कि उज्ज्वल भविष्य के साथ उसका लंबा जीवन होगा, लेकिन वो खून बहने वाली नाक से तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा जो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी है, बताते हैं कि वो एक लाइलाज ट्यूमर से प्रेरित है और महीनों के भीतर उसका मृत्यु हो सकते हैं। विक्रमादित्य असहमत है और क्योंकि उन्होंने अन्यथा भविष्यवाणी की थी, लेकिन उन्हें अस्पताल से बाहर निकाला गया था। प्रेरणा और अपने जीवन को लेकर अशांतित है। दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि विक्रमादित्य एक धोखेबाज है और केवल दवा की इसकी किस्मत बदल सकती है। वो 5 मृत लोगों की हथेली से विक्रमादित्य का परीक्षण करता है और विक्रमादित्य उस सभी को सही ढंग से काटते हैं। उसके चाचा अपना मन बदलते हैं और विक्रमादित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल गया। खुशी से भरी प्रेरणा विक्रमादित्य को प्रपोज करती है। हालांकि उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास प्रेम की रेखा नहीं है और वो जल्द ही देश छोड़ देगा। निजास प्रेरणा दुख के साथ आत्महत्या करने के प्रयास करती है, लेकिन विक्रमादित्य की डायरी में आती है। उसे पता चलता है कि विक्रमादित्य उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार था। जाने से पहले विक्रमादित्य प्रेरणा को उसकी इच्छा के अनुसार एक बलरूम नृत्य में ले जाता है और जुगल रात को अंतरंग रूप में बिताते हैं। प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वो अपनी जान देना पसंद करेगी। वो स्वेच्छा से एक कार दुर्घटना का शिकार होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विक्रमादित्य जो अपनी माँ के डांस शो के लिए लंदन में थे, डायरी में प्रेरणा का नोट पड़ता है। वो अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वो प्रेरणा से
जीने का आग्रह करता है, जो वो प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है, उससे जल्द मिलने का वादा करता है। जब विक्रमादित्य अपनी भविष्यवाणी को लेकर दुविधा में होता है तो उसकी मुलाकात ट्रेन में इस लड़के से होती है जिससे दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया है। वो विक्रमादित्य से कहता है कि वो विक्रमादित्य से कहती है कि क्योंकि जब उसकी हथेली नहीं है इसलिए वो अपना भाग्य लिख सकती है। विक्रमादित्य जो अब प्रेरणा से मिलते हैं जल्दी जल्दी में है एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर इटली जाते हैं जिसके कप्तानी एक व्यक्ति करता है जिससे वो अस्पताल में मिला था। हालांकि जहाज समुद्र में तूफान की चपेट में आ जाता है और हर कोई कप्तान के आदेश पर जहाज को छोड़ देता है। हालांकि विक्रमादित्य अकेले जहाज में फंसा हुआ है। प्रकृति की शक्ति में अभिभूत विक्रमादित्य अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। वो अपने गुरु महाब्रह्मवंश के इस दावे को याद करने के लिए हस्तरेखा विज्ञान केवल 99% सटीक है और 1% लोग ऐसे हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्प, वो एक उच्च बिंदु तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करता है और एक भड़कीला बंदूक चलाता है। कप्तान एक जीवन रक्षक नौका के साथ लौटता है। जहाज डूब जाता है लेकिन डूबा हुआ विक्रमादित्य तैरने में सफल हो जाते हैं। बाद में विक्रमादित्य अस्पताल पहुंचता है और बड़ा बरामद प्रेरणा के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। उनकी शादी हो जाती है जबकि तारा रैलिंग जीतती है। फिल्म विक्रमादित्य की कहानी बनाती है विक्रमादित्य कहानी बताती है जो एक हस्तरिक विद है जो नियुति और प्रेरणा के लिए उसके प्यार के बीच संघर्ष करता है। 1978 में इटली में विक्रमादित्य विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखाविद है। हस्तरेखा विज्ञान के आइंस्टाइन के रूप में डब किया गया। इस संत परमहंस के शिष्य है विक्रमादित्य जो रिश्तों में विश्वास नहीं करता है। तुरंत डॉक्टर प्रेरणा के लिए गिर जाते हैं। वे एक ट्रेन में मिलते हैं लेकिन उसके बाद अलग हो जाते हैं। एक दिन विक्रमादित्य व्यापारी आनंद राजपूत की हथेली पड़ता है। जैसे कि विक्रमादित्य अपने पक्ष में भविष्यवाणी नहीं करता है, राजपाल के लोग उसका पीछा करते हैं जिसका परिणाम स्वरूप उनके दुर्घटना होते हैं। वो प्रेरणा के अस्पताल में भर्ती है और वहाँ उसका इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद विक्रमादित्य प्रेरणा को उसके साथ इश्कबाजी करने का प्रस्ताव देते हैं। हालांकि प्रेरणा शहर छोड़ देते हैं लेकिन विक्रमादित्य पूरे रास्ते उसका पीछा करते हैं। वो मान जाती है और वे एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। हालांकि प्रेरणा के चाचा उसे विक्रमादित्य के प्रति कोई भावना विकसित नहीं करने के लिए कहते हैं। जब विक्रमादित्य और प्रेरणा एक ट्रेन में यात्रा करते हैं तो एक अजनबी उससे अपनी बेटी द्वारा एक महत्वाकांक्षी धनुर्धर की हथेली पढ़ने का अनुरोध करता है। वो भविष्यवाणी करता है कि खेलों में इसका कोई भविष्य नहीं है और इसे उसके वजह शिक्षा और ध्यान देना चाहिए। विक्रमादित्य के कौशल से हतचकित होकर कोच में कोई अपनी हथेली दिखाकर भविष्यवाणी पूछता है लेकिन विक्रमादित्य हिचकिचाए के साथ प्रेरणा के साथ नीचे उतर जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ट्रेन में हर किसी का तत्काल मौत होनी तय है। वो उसे रोकने के लिए ट्रेन का पीछा करता है लेकिन व्यर्थ। उस शाम बाद में ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है जिससे कोई लोग हताहत हो जाती है। हस्तरेखा शास्त्र में विश्वास करने वाली प्रेरणा विक्रमादित्य से उसकी हथेली पढ़ने की कहती है। वो भविष्यवाणी करता है कि उज्जवल भविष्य के साथ उसका लंबा जीवन होगा लेकिन वो खून बहने वाली नाक से तुरंत बेहोश हो जाती है। प्रेरणा जो अस्पताल में भर्ती कराया जाते हैं जहां उसके चाचा जो एक डॉक्टर भी है बताते हैं कि वो एक लाइलाज ट्यूमर से प्रेरित है और महीनों के भीतर उसका मृत्यु हो सकते हैं। विक्रमादित्य असहमत है और क्योंकि उन्होंने अन्यथा भविष्यवाणी की थी लेकिन उन्हें अस्पताल से बाहर निकाला गया था। प्रेरणा और अपने जीवन को लेकर अशांतित है। दूसरी ओर उसके चाचा का मानना है कि विक्रमादित्य एक धोखेबाज है और केवल दवा की इसकी
किस्मत बदल सकती है। वो 5 मृत लोगों की हथेली से विक्रमादित्य का परीक्षण करता है और विक्रमादित्य उस सभी को सही ढंग से काटते हैं। उसके चाचा अपना मन बदलते हैं और विक्रमादित्य की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, प्रेरणा की बीमारी का इलाज मिल गया। खुशी से भरी प्रेरणा विक्रमादित्य को प्रपोज करती है। हालांकि उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास प्रेम की रेखा नहीं है और वो जल्द ही देश छोड़ देगा। निजास प्रेरणा दुख के साथ आत्महत्या करने के प्रयास करती है, लेकिन विक्रमादित्य की डायरी में आती है। उसे पता चलता है कि विक्रमादित्य उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार था। जाने से पहले विक्रमादित्य प्रेरणा को उसकी इच्छा के अनुसार एक बलरूम नृत्य में ले जाता है और युगल रात को अंतरंग रूप में बिताते हैं। प्रेरणा डायरी में एक नोट छोड़ती है कि ऐसी स्थिति आने पर वो अपनी जान देना पसंद करेगी। वो स्वेच्छा से एक कार दुर्घटना का शिकार होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विक्रमादित्य जो अपनी माँ के डांस शो के लिए लंदन में थे, डायरी में प्रेरणा का नोट पढ़ता है। वो अस्पताल को फोन करता है और प्रेरणा की हालत जानकर हैरान रह जाता है। वो प्रेरणा से जीने का आग्रह करता है, उससे जल्द मिलने का वादा करता है। जब विक्रमादित्य अपनी भविष्यवाणी को लेकर दुविधा में होता है, तो उसकी मुलाकात ट्रेन में इस लड़की से होती है जिससे दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया है। वो विक्रमादित्य से कहती है कि क्योंकि जब उसकी हथेली नहीं है, इसलिए वो अपना भाग्य लिख सकती है। विक्रमादित्य जो अब प्रेरणा से मिलते हैं जल्दी में है, एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर इटली जाते हैं, जिसके कप्तानी एक व्यक्ति करता है जिससे वो अस्पताल में मिला था। हालांकि जहाज समुद्र में तूफान की चपेट में आ जाता है और हर कोई कप्तान के आदेश पर जहाज वो छोड़ देता है। हालांकि विक्रमादित्य अकेले जहाज में फंसा हुआ है। प्रकृति की शक्ति में अभिभूत विक्रमादित्य अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। वो अपने गुरु महाब्रह्मवंस के इस दावे को याद करने के लिए हस्तरेखा विज्ञान केवल 99% सटीक है और 1% लोग ऐसे हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्प, वो एक उच्च बिंदु तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करता है और एक भड़कीला बंदूक चलाता है। कप्तान एक जीवन रक्षक नौका के साथ लौटता है। जहाज डूब जाता है, लेकिन डूबा हुआ विक्रमादित्य तैरने में सफल हो जाते हैं। बाद में विक्रमादित्य अस्पताल पहुंचता है और बड़ा मत प्रेरणा के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। उनकी शादी हो जाती है जबकि तारा रेलिंग जीतती है।